ओके हेलो पीपल, कैसे हैं सब लोग? बहुत अच्छे होंगे सब लोग, और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज का टॉपिक, एज यूजुअल, आपको पता होगा, डेरिवेटिव्स, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही आज अपने को कंप्लीट करना है। जो भी पिछला होमवर्क पार्ट या कुछ डाउट पोर्शन या फिर मेरी तरफ से अगर कुछ बचा हुआ पार्ट है तो वो भी मैं आज ही कंप्लीट करूँगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। इसके अलावा आज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें क्या कवर करना है? हमें कवर करना है डेरिवेटिव्स के बारे में। हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अभी तक क्या कर चुके हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हम अभी तक मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इक्विटी पोर्शन, रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर फाइनेंशियल असेट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी वगैरह वगैरह सब कुछ देख चुके हैं। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है वो एक ही चीज है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। और उस डेरिवेटिव में हमें फ्यूचर्स देखना है, फॉरवर्ड्स देखना है, हेज अकाउंटिंग देखना है, ऑप्शंस देखना है। ये हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो ये मान लीजिएगा कि हमारा पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो जाएगा। अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो डेरिवेटिव अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब हम गाइडेंस नोट भी कर रहे हैं और इंड एस 109 की भी बात कर रहे हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हम डेरिवेटिव वाले पार्ट से कि डेरिवेटिव क्या होता है। फिर हम एक एक करके टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स की अकाउंटिंग और रिकग्निशन क्राइटेरिया की बात करेंगे। चलिए, तो नाउ द थिंग इज, सबसे पहले क्वेश्चन में माइंड में ये आता है कि भाई डेरिवेटिव क्या है। टू बी वेरी वेरी फ्रेंक, इन दिस पर्टिकुलर क्लास, एज दिस इज अ क्रैश बैच, एवरी वन एक्सपेक्ट्स कि भाई चलो ठीक है, क्रैश बैच है, एक पर्टिकुलर तरीका बता दिया जाए कि यार किस तरीके से क्या क्या होना है। मीनिंग पे थोड़ी इतना कोई फंसता है, और अगर करना भी होता है मीनिंग तो चलो ठीक है, दो शब्दों में बता दिया, बस खत्म। बट टू बी वेरी फ्रेंक, मुझे अगर आप लोगों को डेरिवेटिव समझाना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, सो मुझे सबसे पहले प्राइम फोकस करवाना पड़ेगा कि डेरिवेटिव होता क्या है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपको डेरिवेटिव पता होगा क्योंकि एसएफएम आप पढ़ रहे होंगे, एसएफएम आप कर रहे होंगे, एसएफएम आपने कर लिया होगा या एसएफएम आपका चल रहा होगा। उसमें डेरिवेटिव करके एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस डेरिवेटिव के टॉपिक में आपने सारी बातें समझ ली होंगी कि डेरिवेटिव क्या होगा। तो टू बी वेरी फ्रेंक, मुझे ज्यादा डेरिवेटिव के बारे में, मीनिंग के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को डेरिवेटिव के बारे में नहीं है पता। आप लोगों को ये तक नहीं पता होगा कि डेरिवेटिव होती क्या चीज है। मैं ये मान के आपको समझा रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप मुझे सुनिएगा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है, बट प्लीज उसको आप मेरे नजरिए से पढ़ने की कोशिश करिएगा तो आपको अकाउंटिंग लेवल पे एक्सपर्टाइज हासिल हो जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए बात करते हैं अपन डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, डेराइव की गई कोई चीज, डेराइव की गई कोई चीज, किसी कहीं से डेराइव किया हुआ गया आइटम, कहीं से डेराइव किया गया आइटम, आइटम कौन सा आइटम? डेराइव किया गया हुआ आइटम, डेराइव्ड फ्रॉम समवेयर, डेराइव्ड फ्रॉम समवेयर, डेरिवेटिव। ऐसा कोई भी आइटम, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको डिराइव किया गया हो कहीं और जगह से, किसी और पर्टिकुलर थिंग से डिराइव किया गया हो, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट। एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करते हैं, कर्ड, स्वीट्स, जितनी भी ये सब आइटम्स होते हैं, दूध, सॉरी दही, मक्खन, चीज, मिठाइयां, ये सब क्या है? ये सब है डेरिवेटिव्स। सर क्या? ये डेरिवेटिव्स हैं क्योंकि ये डिराइव की गई हैं, क्योंकि ये डिराइव की गई हैं कहां से? मिल्क से। तो मिल्क को मैं क्या बोलूंगा? मिल्क इज अंडरलाइंग आइटम, मिल्क इज अंडरलाइंग आइटम। बेटा डेरिवेटिव ऐसी कोई भी चीज जिसको बनाया गया हो कहीं अंडरलाइन से, किसी आइटम से उसको बनाया गया हो, अपने आप में उसकी खुद की पहचान नहीं है, उसको बनाया गया है किसी दूसरी चीज से, किसी दूसरी चीज को बेस रखते हुए मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलूंगा डेरिवेटिव।
उसका खुद का बेस नहीं है, उसका खुद का मार्केट प्राइस का बेस नहीं है, उसका प्राइस डिसाइड किया गया बेस्ड ऑन अंडरलाइन। मैं आपको बोलूं कि अगर बाजार में दूध के दाम बढ़ जाएंगे तो अपने आप क्या कर्ड के दाम पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कर्ड के दाम पे भी तो असर पड़ेगा, वो भी तो बढ़ेंगे। तो बताओ इनके प्राइजेस कहीं ना कहीं मिल्क के प्राइजेस के ऊपर डिपेंड है। वैसे ही बेटा एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसका प्राइस डिपेंड करता है उसकी अंडरलाइंग आइटम पर। अंडरलाइंग में फिर से बोल दूं, ऐसी कोई भी चीज जिसमें से कुछ नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए, जिसका जिसमें से कुछ नया इजाद किया जाए, उसको बोलते हैं अंडरलाइंग आइटम। इस दुनिया में अंडरलाइंग आइटम करोड़ों अरबों हो सकते हैं, क्योंकि हम इंसान लोग किसी भी चीज में से कोई भी वैल्यू बनाई बना सकते हैं। हम तो खड़े खड़े क्रिकेट का मैच चलता है, हम तो खड़े खड़े डेरिवेटिव खेल लेते हैं। डेरिवेटिव खेल लेते हैं मतलब हम बैटिंग कर लेते हैं, बैटिंग मतलब शर्त शर्त लगा लेते हैं कि चलो यार कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी। तो वो जो टीम पे शर्त लगा रहे हैं, वो जो टीम है क्रिकेट टीम है, या किसी प्लेयर पे शर्त लगा रहे हैं, वो प्लेयर हमारी शर्त के लिए अंडरलाइंग आइटम है। और जो हमारी शर्त है वो हमारी शर्त को डेरिवेटिव बोला जाएगा, क्योंकि हमारी शर्त को डिराइव किया गया है किसी आउटसाइड अंडरलाइंग आइटम जिस पे ना तुम्हारा ना मेरा कंट्रोल है। बात समझ में आ रही कि नहीं? सो बेटा डेरिवेटिव को अगर टेक्निकल भाषा में बोला जाए तो एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी दूसरे अंडरलाइंग, जो किसी दूसरे अंडरलाइंग से बनाया गया है। अब मैं थोड़ा सा इसको और खोल रहा हूं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट माने फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, जिसको बनाया गया है, जिसकी कोई वैल्यू है किसी अंडरलाइंग पे निफ्टी या फिर इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी या फिर गोल्ड कमोडिटी या फिर डॉलर का रेट मतलब फॉरेन करेंसी, ये सब क्या है? ये सब अंडरलाइंग है। निफ्टी तो बन गया निफ्टी फ्यूचर्स बन गया। इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी, कंपनी का इक्विटी शेयर, पर ऑप्शन टू परचेज इक्विटी शेयर और ऑप्शन टू इन्वेस्ट इक्विटी शेयर, तो वो ऑप्शन बन गया डेरिवेटिव। आई बात समझ में कि नहीं? ऑप्शन से मुझे याद आता है कि हमने ईसॉप पढ़ा था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आ रही बात समझ में कि नहीं? सो गाइस, डेरिवेटिव ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको डिराइव किया गया हो किसी इंडिपेंडेंट अंडरलाइंग मतलब जिस अंडरलाइंग के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल नहीं है। नो पर्सन कैन कंट्रोल सच अंडरलाइन। आ रही है बात समझ में कि नहीं? दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। आई थिंक आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और हम अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करने वाले हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप में खुद आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करते, जिनकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग। अगर कोई दूसरी चीज है तो आज मैं हूं, अदरवाइज मैं नहीं हूं। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? सो गाइस, डेरिवेटिव को हमें समझना है तो हमें पहले यह देखना पड़ेगा कि हम जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू के लिए हमारे पास अंडरलाइन क्या है, उसकी वैल्यू के लिए हमारे पास अंडरलाइन क्या है। मैच का सट्टा कर रहे हैं अपन तो सट्टे को बोलेंगे, बैटिंग को बोलेंगे डेरिवेटिव, और उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट होगा मैच का रिजल्ट। जो भी मैच का जो प्लेयर होगा उसके ऊपर हमने जो शर्त लगाई है, हम उसके ऊपर शर्त लगा रहे हैं, तो शर्त को बोला जाएगा डेरिवेटिव। और वो जो पर्टिकुलर मैच चल रहा है या फिर कोई इवेंट चल रहा है या फिर वो प्लेयर जो खेल रहा है, दैट इज आर अंडरलाइंग। बेस्ड ऑन दैट अंडरलाइंग वी आर इन्वेस्टिंग आर मनी। आई बात समझ में कि नहीं? आई एम इन्वेस्टिंग इन निफ्टी, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, इफ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन निफ्टी देन आई हैव टू परचेज फ्यूचर्स ऑफ निफ्टी, आई हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑन फ्यूचर्स ऑफ निफ्टी, आई हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट्स ऑन ऑप्शंस ऑफ निफ्टी।
आई कैन नॉट डायरेक्टली परचेज निफ्टी, आई कैन नॉट डायरेक्टली परचेज निफ्टी, क्या मैं निफ्टी खुद ही परचेज कर सकता हूं? ओ हो नहीं भाई, आई कैन नॉट परचेज इट. तो अंडरलाइंग कैन बी परचेज और कैन नॉट बी परचेज. अगर आप डायरेक्टली अंडरलाइंग खरीद रहे हो, डायरेक्टली अंडरलाइंग के ऊपर पैसा लगा रहे हो, सो यू आर नॉट ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, यू आर डायरेक्टली ट्रेडिंग इन अंडरलाइंग. बट अगर आप अंडरलाइंग के ऊपर पैसा नहीं लगा रहे हो बट अंडरलाइंग से बनी हुई किसी दूसरी चीज पे पैसा लगा रहे हो, तो यू आर मेकिंग मनी ऑन डेरिवेटिव, यू आर इन्वेस्टिंग ऑन डेरिवेटिव्स. आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? मैं गोल्ड पे पैसा नहीं लगाना चाह रहा हूं, पर मैं फ्यूचर्स ऑफ गोल्ड पे पैसा लगाना चाहता हूं, मैं गोल्ड के फ्यूचर पर पैसा लगाना चाहता हूं. फ्यूचर पर मतलब फ्यूचर एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो कि मुझे पैसा लगवाने देगा. मतलब एक तरीके से ये कोई बाजारी शर्त हो गई कि फ्यूचर में गोल्ड के प्राइजेस बढ़ेंगे कि गिरेंगे. इफ आई वुड से कि प्राइजेस बढ़ेंगे और सही में अगर बढ़ गए तो मैं शर्त जीत जाऊंगा, मतलब मैं बोलूंगा कि डेरिवेटिव से मुझे फायदा हुआ, फेवरेबल पोजीशन. और सामने वाला दूसरा अगर कोई हारेगा तो वो बोलेगा अनफेवरेबल पोजीशन. क्लियर है कि नहीं? ओके, सो डेरिवेटिव के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देखेंगे, बट आपको समझ में आ गया होगा डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू, जिसका प्राइस, जिसका प्रेजेंस डिराइव किया जाता है किसी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट से. किसी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, अंडरलाइंग कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग. लीगलाइज फॉर्म की बात करें तो अंडरलाइंग कुछ ही आपको मिलेंगे. एक कंपनी का शेयर आपको अंडरलाइंग मिल सकता है, निफ्टी एक मार्केट आपको अंडरलाइंग मिल सकता है, गोल्ड आपको अंडरलाइंग मिल सकता है, कमोडिटी ये फॉरेन करेंसी आपको अंडरलाइंग मिल सकता है. पर In this world, most of the underlyings are not legalized. Like what? Cricket का सट्टा, वो भी एक underlying है, but वो क्या legal है? नहीं. तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनका presence है but उसके ऊपर कभी किसी के द्वारा regulation नहीं किया गया. Nifty के ऊपर regulation है, इक्विटी शेयर के ऊपर रेगुलेशन है, बट कई सारे ऐसे आइटम है जिनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं किया गया. और हम बैठ के ओवर द काउंटर बोथ पार्टीज कैन सिट एंड मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन एनी काइंड ऑफ अंडरलाइन, ऑन एनी काइंड ऑफ अंडरलाइन. आ रही बात समझ में कि नहीं? खून करने के ऊपर भी हम शर्त लगा सकते हैं कि देखना इसका खून हो जाएगा, मैं बोलूंगा इसका खून नहीं हो पाएगा, ये बच जाएगा. दिस इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव बट ये लीगलाइज नहीं है. आपको समझ में आ गई होगी बात कि अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बेसिस पे ही हमें आगे बढ़ना है. चलिए बात करते हैं कुछ नोट्स में से, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट से, फिर मैं आपको बताऊंगा गुरु मंत्र डेरिवेटिव को रिकॉर्ड करने का, और आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा कि डेरिवेटिव की अकाउंटिंग क्या होती है. चलिए पेज नंबर 14, डेरिवेटिव्स पेज नंबर 14. सबसे पहले कुछ लिखा है मैंने बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में कुछ लिखा है मैंने. क्या लिखा है मैं पढ़ लेता हूं, आप भी पढ़ लीजिए. कोई भी चीज जिसकी प्राइस कोई दूसरी चीज, मतलब अंडरलाइन, से डेराइव हो, एक पार्टी के लिए फेवरेबल पोजीशन क्रिएट होती है और दूसरी पार्टी के लिए अनफेवरेबल पोजीशन क्रिएट होती है. डेरिवेटिव में हमेशा दो पार्टीज तो होंगी, और दो पार्टीज में से एक पार्टी के लिए फेवरेबल पोजीशन बनेगी और दूसरी पार्टी के लिए अनफेवरेबल पोजीशन बनेगी. उसका बेस्ट एग्जांपल है शर्त लगाना. ऑब्वियसली एक व्यक्ति जीतेगा और दूसरा व्यक्ति हारेगा. दैट इज फाइनेंशियल असेट फॉर वन पार्टी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी फॉर अनदर पार्टी. नाउ आई विल गिव यू वन सिंपल सा एग्जाम्पल ऑन डेरिवेटिव. बेटा एक है जयसर और एक है मिस्टर गोलू. ही इज स्टूडेंट ऑफ जयसर. जयसर हैज शेयर ऑफ इंफोसिस. गोलू हैज मनी, दैट इज कैश. गोलू के पास पैसा है, कैश है,
और जय सर के पास शेयर है। नाउ गोलू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन शेयर ऑफ इंफोसिस। गोलू वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ इंफोसिस। गोलू इंफोसिस के शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। बताइए गोलू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बताइए इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। टू मेक मनी, दैट मीन्स टू मेक प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, गोलू अगर प्रॉफिट कमाना चाहता है इंफोसिस के शेयर पर, तो इसके लिए जरूरी है क्या कि गोलू को ये शेयर खरीदना पड़े? गोलू जो है वो शेयर बिना खरीद के भी तो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। अगर नाउ केस वन, इफ गोलू परचेज्ड शेयर फ्रॉम जयसर, then this is a transaction of financial instrument but not a derivative transaction। ये derivative transaction नहीं होगा, ये transaction होगा, financial instrument का transaction होगा, पर ये derivative का transaction नहीं होगा। आई बात समझ में कि नहीं? दूसरी बात, केस टू, केस टू, टुडे वैल्यू ऑफ शेयर इज 200 रुपीज। आज इस शेयर की वैल्यू 200 रुपए है, आज इस शेयर की वैल्यू 200 रुपए है। टुडे देयर इज एन एग्रीमेंट, there is an agreement between Jay and Golu that after two months Golu will Golu will pay rupees 200 to Jay sir to purchase the share. Golu will pay 200 to Jay sir to purchase the share। मतलब ये कि आज के दिन गोलू और जय के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि 2 महीने बाद गोलू मुझे 200 रुपए देगा, 200 रुपए देगा और मैं उसको शेयर दे दूंगा। गोलू मुझे 200 रुपए देगा और मैं उसको शेयर दे दूंगा। देयर इज एन ऑप्शन विथ गोलू, ही मे और मे नॉट परचेज, बट If he purchases, Jay sir cannot deny. Jay sir deny नहीं कर सकते। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जय सर के पास एक शेयर है इंफोसिस का, गोलू के पास पैसा रखा है या पैसा आने वाला है कहीं से। जय सर ने गोलू को ऑप्शन दिया कि 2 महीने बाद तुम मुझे 200 रुपए दे देना और मैं ये शेयर तेरे को बेच दूंगा, मैं ये शेयर तुम्हें बेच दूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? 2 महीने बाद ये तुम मुझे 200 रुपए दे देगा और मैं ये तुम्हें शेयर बेच दूंगा। बताओ बेटा, गोलू इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा? 2 महीने बाद गोलू इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा? आंसर आप ऐसे दे ही नहीं सकते हो। आपके मन में सबसे पहला सवाल आएगा कि सर मार्केट में प्राइस जो हो जाएगा फिर गोलू डिसाइड करेगा कि मुझे जयसर से ये शेयर खरीदना चाहिए कि मार्केट से खरीदना चाहिए। अगर मार्केट में प्राइस शेयर का 200 रुपए से ज्यादा बढ़ जाता है, 250 रुपए हो जाता है, 300 रुपए हो जाता है, तो जय सर से गोलू ये शेयर का ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि गोलू को पता है कि जय सर से उसे सस्ते में शेयर मिल रहा है, जबकि मार्केट से अगर यही शेयर खरीदा गया तो महंगे में खरीदा जाएगा।
तो गोलू क्या बोलेगा? गोलू बोलेगा ओके एक काम करता हूं, अगर मार्केट में प्राइस बढ़ गया, मान लीजिए मार्केट का प्राइस हो गया 300 रुपए, तो गोलू विल एक्सरसाइज हिज ऑप्शन टू परचेज दिस शेयर। गोलू क्या करेगा? गोलू जय सर के पास जाएगा, 200 रुपए उठाएगा और मतलब जेब से निकालेगा और जय सर को दे देगा, और उसके बदले इंफोसिस का शेयर ले लेगा, और इंफोसिस का शेयर जल्दी भागते 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 मार्केट में जाके बेच देगा, और बेचेगा तो गोलू 300 रुपए बना लेगा, 200 रुपए इन्वेस्ट करके 300 रुपए बना लेगा, अल्टीमेटली गोलू 100 रुपए का फायदा अर्न करेगा। सो बेटा यहां पर गोलू के पास एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? ऑप्शन टू परचेज द शेयर फ्रॉम जय सर एट ₹200। इफ द मार्केट प्राइस इज मोर देन आई विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगेन आई वुड मेक अ क्वेश्चन, बताइए मुझे क्या ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, क्या ये एक डेरिवेटिव एग्रीमेंट है कि नहीं? अगर 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 इस पूरे एग्रीमेंट में, अगर इस पूरे एग्रीमेंट में फिजिकल डिलीवरी होगी, फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर होगी, शेयर की फिजिकल डिलीवरी मतलब सर जय सर से ये शेयर चला जाएगा गोलू के पास, फिजिकल डिलीवरी होनी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि अगेन इस केस में हम डायरेक्ट अंडरलाइन की फिजिकल डिलीवरी कर रहे हैं, हम पैसा हम लेन देन अंडरलाइन के ऊपर लगा रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था बेटा, याद रखियो डेरिवेटिव एक ऐसी चीज होती है जिसको बनाया जाता है किसी अंडरलाइन से, अगर आप डायरेक्ट अंडरलाइन में ही पैसा लगा रहे हो तो आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। बट अगर मान लीजिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हुआ है और खत्म होगा विदाउट फिजिकल डिलीवरी से होगा, विदाउट फिजिकल डिलीवरी से होगा, मतलब क्या? गोलू ने जय सर को बोला सर मेरे पास 200 रुपए नहीं है, मेरे पास तो 2 रुपए भी नहीं है, बस सर आपने मुझे ऑप्शन दिया, आपकी मेहरबानी, मैं आपका स्टूडेंट हूं, थैंक यू सो मच, आप एक काम करिए ये शेयर अपने पास ही रखिएगा, अगर 2 महीने बाद मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ जाए, 200 रुपए से ऊपर बढ़ जाए, मैं आपसे ये शेयर तो नहीं खरीदूंगा, पर क्योंकि जितना भी ऊपर बढ़ जाएगा तो ऊपर बढ़ा हुआ प्राइस 200 रुपए से ऊपर जितना भी प्राइस जाएगा आप उतना प्राइस मुझे कैश में दे देना, ये अंडरलाइंग मतलब ये इक्विटी शेयर आप अपने पास ही रखो, मुझे इससे मतलब नहीं। मतलब ये कि गोलू भाई, गोलू का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टू मेक द प्रॉफिट, नाउ चाहे वो इंफोसिस का शेयर परचेज करके प्रॉफिट अर्न करे, चाहे वो विदाउट परचेज करके प्रॉफिट करे, अगर वो परचेज करके प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो डायरेक्टली अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट खरीद रहा है, पर अगर वो बिना परचेज करके, बिना किसी फिजिकल डिलीवरी के ये ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब अब हमने पैसा लगाया तो शेयर के वैल्यू के ऊपर, पर वो जो शेयर की वैल्यू का गोलू को क्या दिया गया था? वो दिया गया था ऑप्शन। सो दिस ऑप्शन गिवन बाय जय सर टू गोलू इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात बताओ, जय सर क्या पागल है? क्या एक नंबर का पागल है जय सर, कि मतलब ये गोलू को ऑप्शन दे देगा और जय सर मतलब खुश रहेगा कि हाँ चलो मैंने अपने बच्चों का उद्धार किया, हाँ हाँ भैया मुझे भी प्रॉफिट कमाना है। जय सर ने ये जो ऑप्शन दिया गोलू को, ये ऑप्शन दिया 10 रुपए में, जय सर ने बोला तू मुझे 10 रुपए दे दे और ये नॉन रिफंडेबल है, तू मुझे 10 रुपए दे दे और तेरे को मैं ऑप्शन देता हूं कि तू 2 महीने बाद आएगा और मुझे बोलेगा कि ये शेयर दे दो, या अगर शेयर नहीं भी चाहिए तेरे को, जितनी भी वैल्यू बढ़ी हुई होगी तो मैं तेरे को बढ़ी हुई वैल्यू तेरे को कैश में दे दूंगा, पर उसके लिए मुझे तेरे को 10 रुपए देने पड़ेंगे। गोलू पूछ रहा है सर अगर कल को वैल्यू गिर जाए तो मैं क्या करूं? फिर मैं तेरे को नहीं दूंगा क्योंकि वैल्यू तो गिर गई और तेरे 10 रुपए भी गए। बताओ अब यहां पर दो पार्टीज, एक जय सर और एक गोलू, अगर शेयर का प्राइस बढ़ा तो कौन फायदे में? गोलू। कौन नुकसान में? जय सर। जय सर को सिर्फ क्या मिला? 10 रुपए। और अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया 200 से 300 हो गया तो जय सर को 100 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली जय सर को 90 रुपए का नुकसान, क्योंकि 10 रुपए सर ने ले लिए थे और उधर से 90 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। बट अगर शेयर का प्राइस गिर गया तो गोलू विल नॉट एक्सरसाइज हिज ऑप्शन, गोलू अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, यहां पर विदाउट फिजिकल डिलीवरी की बात कर रहा हूं, गोलू अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा तो जय सर गोलू को कुछ भी पे नहीं करेंगे और जय सर को 10 रुपए की इनकम हो जाएगी।
आई बात समझ में कि नहीं, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी फिजिकल डिलीवरी हुई क्या इक्विटी शेयर की? नहीं, क्योंकि हमने पैसा इक्विटी शेयर के ऊपर नहीं लगाया था, हमने इक्विटी शेयर की वैल्यू के ऊपर पैसा लगाया था, और वो जो वैल्यू के ऊपर पैसा लगाया था वो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था। हमने इस ऑप्शन की वैल्यू रखी कि चलो इस ऑप्शन की वैल्यू 10 रुपए है, मैं तेरे को ऑप्शन दे रहा हूं, इस ऑप्शन की वैल्यू 10 रुपए है, मैं तेरे को शेयर दे रहा हूं, ऐसा नहीं बोला मैंने, मैंने बोला मैं तेरे को ऑप्शन दे रहा हूं, इसकी वैल्यू 10 रुपए है। सो बेटा इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं बोलूंगा कि आई विल गिव यू शेयर, देन इट इज नॉट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, आई एम गिविंग यू ऑप्शन, देन इट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दिस ऑप्शन हैज बीन क्रिएटेड आउट ऑफ अंडरलाइन। ऑप्शन की वैल्यू कैसे क्रिएट हुई है? अंडरलाइन से। जय सर को पता है यार इन्फोसिस का शेयर तो बहुत खतरनाक है, इसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, तो डेफिनेटली जय सर ये ऑप्शन गोलू को महंगे में देंगे। पर अगर पता है कि ये शेयर हल्का है, रे हल्का शेयर है, बहुत जाएगा ये गिरेगा, अब जय सर अगर ये शेयर अगर ये ऑप्शन देना चाहते हैं गोलू को, तो गोलू को भी पता है ये तो हल्का शेयर है, तो जय सर बहुत सस्ते में इसकी ऑप्शन देंगे। तो बेटा ऑप्शन की वैल्यू कैसे डिसाइड हो रही है? बेस्ड ऑन इंफोसिस के शेयर के वैल्यू पर। आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने अभी जो डिस्कशन किया टॉपिक का, मतलब हमने अभी जो एग्जांपल का डिस्कशन किया, मैंने वो आपके साथ डेरिवेटिव ऑप्शंस की बात की थी। ऑप्शन में क्या होता है? दो लोग होते हैं, एक ऑप्शन राइटर होता है और एक ऑप्शन होल्डर होता है। यहां पर जय सर ऑप्शन राइटर थे, ऑप्शन देने वाले, और गोलू ऑप्शन लेने वाला, ठीक है ना, ऑप्शन होल्डर। चलिए हम इसकी बात और अच्छे से करेंगे। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको अभी ऑप्शन पढ़ाऊं, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको अभी डेरिवेटिव के बारे में समझाऊं कि डेरिवेटिव क्या होता है। चलिए आगे और पढ़ते। इट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। हाँ बेटा, डेरिवेटिव में ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। पहला, इट्स वैल्यू चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन अंडरलाइन। अगर अंडरलाइन की वैल्यू चेंज होगी तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू चेंज होगी, मिल्क की वैल्यू चेंज होगी तो कर्ड की वैल्यू चेंज होगी, तो स्वीट्स की वैल्यू चेंज होगी, चीज की वैल्यू चेंज होगी। जितना मिल्क बढ़ता जाएगा वैल्यू में, उतने ही वो सब चीजें महंगी होती जाएंगी, क्योंकि वो सब चीजें क्या है? डेरिवेटिव, डेराइव्ड फ्रॉम मिल्क। अंडरलाइंग कैन बी इक्विटी, शेयर, स्टॉक इंडेक्स, कमोडिटी इंडेक्स, कमोडिटी प्राइस, दैट इज गोल्ड, और एनी अदर वेरिएबल आइटम दैट हैज सम वैल्यू। पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, डेरिवेटिव की वैल्यू डिपेंड करती है अंडरलाइन की वैल्यू पर। अंडरलाइन की वैल्यू बढ़ेगी तो डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ेगी, अंडरलाइन की वैल्यू घटेगी तो डेरिवेटिव की वैल्यू घटेगी। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन एंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दूसरी बात, इट रिक्वायर्स नो इन्वेस्टमेंट और वेरी लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। गोलू ने ये ऑप्शन जय सर से खरीदने के लिए कितने रुपए दिए? सिर्फ 10 रुपए। क्या 200 रुपए पूरे के पूरे गोलू को इन्वेस्ट करने पड़े? गोलू ने तो बोल दिया जय सर को कि सर मुझे शेयर नहीं चाहिए, मेरे पास तो 2 रुपए, 200 रुपए है ही नहीं, मेरे को तो सिर्फ ऑप्शन दे दो खरीदने का, अगर वैल्यू बढ़ गई तो आप मुझे बढ़ी हुई वैल्यू दे देना। तो गोलू को सिर्फ कितना इन्वेस्ट करना पड़ा? 10। या हो सकता है गोलू को इन्वेस्ट ना भी करे, अगर जय सर और गोलू के बीच में बहुत प्रेम है, लगाव है, तो हो सकता है ये बिना बिना शर्त, सॉरी बिना पैसों के ये ऑप्शन दिया जाए। जैसे हम कभी मस्ती मजाक में शर्त लगा लेते हैं, चल लगी 500 500 रुपए की, हम ये थोड़ी बोलते हैं चल लगी 500 500 रुपए की उसके लिए 100 100 रुपए जमा करने पड़ेंगे, नहीं, उसके लिए हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, शर्त लगाते वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो बेटा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, मतलब पर यूनिट वाइज अगर आप बात करो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। मैं बहुत कम की बात कर रहा हूं, मतलब आप ये मत समझना कि हाँ सर बहुत कम होता है, मतलब अगर मेरे पास आज 500 रुपए रखें तो 500 रुपए में डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में खेल सकता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि निफ्टी निफ्टी फ्यूचर्स, तो आज निफ्टी की वैल्यू देखी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी की वैल्यू है 8870, निफ्टी आज मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है 8870, तो बेटा जो निफ्टी फ्यूचर्स होगा ना, निफ्टी फ्यूचर्स खरीदने के लिए, निफ्टी फ्यूचर्स में पैसा लगाने के लिए उसमें 1000 लॉट या एक लॉट खरीदना पड़ेगा, एक लॉट। अब एक लॉट में 1000 यूनिट होते हैं, मान लो 1000 यूनिट, एक यूनिट बराबर 8870, तो मुझे 1000 यूनिट खरीदने पड़ेंगे। अब खरीदने नहीं पड़ेंगे एक्जेक्टली, मुझे 1000 यूनिट पे पैसा लगाना पड़ेगा। अगर मैं पर यूनिट वाइज जाऊं तो मुझे सिर्फ, मान लीजिए मुझे ब्रोकर ने बोला कि 5% लगाओ, 8870 का 5% लगाओ बस, तो पर यूनिट वाइज मुझे मुझे लगेगा कि हाँ यार सिर्फ 5% ही तो लगाना है पर यूनिट वाइज,
पर अगर मैं 1000 यूनिट के हिसाब से देखूंगा तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है। सो बेटा अगर अंडरलाइंग 1 करोड़ का है तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट शायद आपको 10-15 हजार करने की जरूरत पड़े, 1 लाख रुपए करने की जरूरत पड़े, 2-4% करने में, 2-4% के फॉर्म में करना पड़े। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता तो है बट कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग इट इज वेरी लो, इन्वेस्टमेंट इज वेरी लोअर कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग। याद रखिएगा, लोग गलत फहमी में लेते हैं इसको कि हाँ डेरिवेटिव में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, होता है, बट कंपैरेटिवली अंडरलाइंग की वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तीसरा, इट इज सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट। ऑब्वियसली फ्यूचर की डेट पे सेटल होगा जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और लास्ट, इट इज सेटल्ड ऑन अ नेट टू नेट बेसिस, दैट इज कैश विदाउट एनी डिलीवरी। और ये नेट टू नेट बेसिस पे सेटल होता है, मतलब बिना किसी डिलीवरी के सेटल होता है, बिना किसी डिलीवरी के सेटल होता है। अगर यहां पर डिलीवरी करवाई जाए तो मतलब आप अंडरलाइन की डिलीवरी कर रहे हो, मतलब आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में नहीं खेल रहे हो। आई बात समझ में कि नहीं? सो बेटा डेरिवेटिव ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू डिराइव की जाए किसी अंडरलाइंग से, अंडरलाइंग आइटम से। अंडरलाइंग मतलब जिसकी अपने आप में एक वैल्यू है जो बाकी सब चीजें बना सकता है। ठीक है, ओके, मैं गोल्ड में पैसा ना लगा के मैं गोल्ड के कमोडिटी मार्केट में पैसा लगा सकता हूं, जैसे आपने सुना होगा MCX, वहां मैं गोल्ड की कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकता हूं बिना गोल्ड को खरीदे बेचे। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। आई बात समझ? ओके, डेरिवेटिव के 4 करेक्टरिस्टिक्स, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन। ठीक है, दूसरा क्या? दूसरा, नो इन्वेस्टमेंट और वेरी लोअर इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू इट्स अंडरलाइंग वैल्यू। आई बात समझ में? इट इज सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट। और चौथा, सेटलमेंट विदाउट एनी फिजिकल डिलीवरी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव, अकाउंटिंग अकाउंटिंग का रूल बता रहा हूं, डेरिवेटिव अकाउंटिंग का बेसिक रूल, डेरिवेटिव अकाउंटिंग का बेसिक रूल याद रखिएगा हमेशा, डेरिवेटिव की अकाउंटिंग हमें क्या करनी है? डेरिवेटिव की अकाउंटिंग में या तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रिएट होगा या तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी या फिर इक्विटी क्रिएट होगा, और ये दोनों क्रिएट होंगे ऑन बैलेंस शीट डेट एट फेयर वैल्यू। मैं इसको सिंप्लीफाई करके बोल देता हूं, डेरिवेटिव हमेशा बैलेंस शीट डेट पे रिकॉग्नाइज होगा। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को अकाउंटिंग हमेशा बैलेंस शीट डेट वाली समझनी है हमें। बैलेंस शीट डेट में मुझे देखना पड़ेगा कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। अगर फायदा है तो असेट फॉर्मी, नुकसान है तो लाइबिलिटी और इक्विटी फॉर्मी। फायदा है तो असेट फॉर्मी, रिकॉग्नाइज इट ऑन बैलेंस शीट डेट एट व्हाट, एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मींस कितना फायदा हो रहा है, और नुकसान है मतलब लाइबिलिटी, तो कितना नुकसान हो रहा है उस पे लाइबिलिटी क्रिएट करो। सो डेरिवेटिव अकाउंटिंग हमेशा बैलेंस शीट डेट पे होगी, फेयर वैल्यू पे होगी, या तो फाइनेंशियल असेट क्रिएट होगा या तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी के लिए क्रिएट होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलो भाई, अब एक काम करिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5। रीड ऑल दीज एग्जाम्पल्स, और ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल है ऐसे ही होंगे, ये एग्जाम में भी आ चुके हैं। रीड ऑल दीज एग्जाम्पल्स केयरफुली, आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि यस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देन आई विल प्रोसीड विथ एक एक टाइप बाय टाइप, मतलब फर्स्ट फ्यूचर, देन फॉरवर्ड, देन ऑप्शंस, देन हेज पे चलेंगे। ठीक है, चलिए पहले आप इसको रीड कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
हाँ जी गाइस, पढ़ लिया होगा आपने सबने। तो आपने क्या क्या पढ़ा? शुरू में आपने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह दिए हुए हैं, फिर कुछ की पॉइंट्स जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स, फेयर वैल्यू मतलब एग्जिट प्राइस, द प्राइस दैट वुड बी पेड टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी और द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड व्हेन ट्रांसफरिंग एन असेट टू अ नॉलेजेबल विलिंग काउंटर पार्टी। ये जो फेयर वैल्यू की डेफिनेशन है इसको आप साइड में लिख लो, इंड एएस 113, ये इंड एएस 113 फेयर वैल्यू करके एक इंड एएस है उसमें से लिया गया है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 आपने पढ़ लिए होंगे। लगभग हर एग्जाम्पल एक जैसा है, उसमें आपको दिख गया होगा कि फिजिकल डिलीवरी कहाँ हो रही है, फिजिकल डिलीवरी नहीं हो रही है, तो किसके लिए ऑब्लिगेशन, किसके लिए राइट वगैरह, उसके अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव्स बनते हैं। अब अपन मेन कोर प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, डेरिवेटिव्स के टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। डेरिवेटिव्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्यूचर्स, फिर हम चलेंगे फॉरवर्ड्स, फिर हम चलेंगे ऑप्शंस, फिर हम खत्म करेंगे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ। सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्यूचर्स। बेटा जैसे शेयर्स लिस्टेड होते हैं ना, उनका बाजार होता है, शेयर्स का एक मार्केट होता है, वैसे ही बेटा आप समझ लो कि अब शेयर्स की जगह पे फ्यूचर्स होता है। फ्यूचर्स का भी अपना एक मार्केट है, फ्यूचर्स का अपना बाजार होता है और उस तरीके से डील किया जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो शेयर्स के केस में जैसे लिस्टेड शेयर्स होते हैं, उनका मार्केट रहता है, उनको बाय और सेल किया जाता है, वैसे ही फ्यूचर्स चलता है। बस यहां फर्क यह है कि फ्यूचर क्या है, एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, और शेयर क्या है, शेयर है एक अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है वो किसी ना किसी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड होगा, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, अच्छा जी, फ्यूचर्स में क्या होता है? फ्यूचर्स में फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, नो फिजिकल डिलीवरी। फ्यूचर में दो तरीके से प्रोडक्ट बिकता है, एक होता है लॉन्ग फ्यूचर्स और एक होता है शॉर्ट फ्यूचर्स। लॉन्ग फ्यूचर्स मतलब सपोज अगर मैं लॉन्ग फ्यूचर में पैसा लगाता हूं तो मतलब मेरा इंटेंशन है कि प्राइस बढ़ेगा, प्राइस विल राइज, और शॉर्ट फ्यूचर्स में होता है प्राइस विल फॉल, प्राइस विल फॉल। ठीक है, फ्यूचर्स किस किस पे लग सकता है? फ्यूचर्स शेयर्स के ऊपर लग सकता है, मतलब फ्यूचर्स में अंडरलाइंग क्या हो सकता है? अंडरलाइंग शेयर हो सकता है, अंडरलाइंग निफ्टी हो सकता है डायरेक्ट मतलब इंडेक्स, फ्यूचर में गोल्ड भी एक अंडरलाइंग हो सकता है। आ रही बात समझ में कि नहीं? गोल्ड जैसे कमोडिटी मार्केट वगैरह, कोई भी कमोडिटी हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये फ्यूचर के अंडरलाइंग होते हैं जिनके बेसिस पर फ्यूचर के प्राइसेस में चेंजेस होते रहते हैं। नाउ एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इन्वेस्टर बॉट लॉन्ग फ्यूचर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टर ने लॉन्ग फ्यूचर खरीदा। पहली बात तो है जब लिखा हो खरीदा तो खरीदने का मतलब फिजिकल डिलीवरी नहीं हुई, मतलब उसने लॉन्ग फ्यूचर में पैसा लगाया। तो लॉन्ग फ्यूचर में पैसा लगाया तो मतलब क्या वो सोच रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ही एक्सपेक्ट्स दैट प्राइस इन फ्यूचर, प्राइस किसका? प्राइस ऑफ अंडरलाइन इन फ्यूचर विल राइज। इफ एक्चुअली राइज देन ही विल गेन, अदरवाइज
लूज। अगर एक्चुअली बढ़ गया तो वो जीत जाएगा, उसको पैसा मिलेगा, गेन होगा, और अगर नहीं बढ़ा तो वो हार जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? इन्वेस्ट अबाउट फ्यूचर्स, लॉन्ग फ्यूचर्स, लॉन्ग। शॉर्ट उसी का उल्टा, प्राइस विल फॉल। मतलब अगर मैं शॉर्ट फ्यूचर खरीदता हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि प्राइस फ्यूचर में घटेगा और मैं पैसा लगा रहा हूं उसके घटने पर, उसके गिरने पर पैसा लगा रहा हूं। अगर सही में मार्केट गिरा, सही में शेयर गिरा, तो मैं जीत जाऊंगा, मुझे फायदा होगा, और अगर मार्केट बढ़ गया उल्टा तो मैं हार जाऊंगा। आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, एक और बात, फ्यूचर में इट रिक्वायर्स इनिशियल मार्जिन टू बी पेड टू ब्रोकर। ब्रोकर को इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ता है। ये इनिशियल मार्जिन होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप का। क्या होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। और इसीलिए हम इसकी एंट्री करते हैं इनिशियल मार्जिन टू बैंक। इसको मैं कह सकता हूं एक तरीके से ये मेरी फाइनेंशियल असेट है। इनिशियल मार्जिन सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए रखा जाता है कि भाई आपको मैंने मार्जिन दे दिया है, अब मैं कम से कम ट्रेडिंग कर सकता हूं, मेरा पैसा अच्छा खासा आपके पास रखा हुआ है। आई बात समझ में कि नहीं? इट रिक्वायर्स इनिशियल मार्जिन। अगर इनिशियल मार्जिन होगा तो हम इनिशियल मार्जिन की ये वाली एंट्री कर लेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? अब दूसरी बात बता दूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए टुडे, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 5th ऑफ मार्च 2018। आज 5th ऑफ मार्च 2018 है, और अगर 5th ऑफ मार्च 2018 है तो इक्विटी शेयर है, मान लीजिए BHEL का इक्विटी शेयर आज ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए 105 रुपए पर, 105 रुपए पर आज ट्रेड कर रहा है, 105 रुपए पर टुडे। ठीक है, टुडे द शेयर शेयर प्राइस इज एट 105। आई बॉट फ्यूचर्स ऑफ BHEL इक्विटी शेयर। मैंने एक BHEL के इक्विटी शेयर का फ्यूचर खरीदा, मैंने BHEL का शेयर नहीं खरीदा। BHEL का शेयर खरीदूंगा तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीदूंगा, मतलब ये नॉन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मैंने BHEL के इक्विटी शेयर का फ्यूचर में पैसा लगाया। अगर मैं इक्विटी शेयर खरीदूं तो डायरेक्टली मुझे 105 रुपए पे करने पड़ेंगे, जबकि आज मैं इक्विटी शेयर के फ्यूचर पे पैसा लगा रहा हूं तो मुझे 105 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आई बॉट फ्यूचर्स ऑफ इक्विटी शेयर लॉन्ग फॉर 1 मंथ। मैंने 1 मंथ का लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट खेला है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने 1 मंथ का लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट खेला है। मान लीजिए वो एक्सपायर होगा 5th ऑफ अप्रैल को, 5th ऑफ अप्रैल को एक्सपायर होगा, और यहां पर 31st मार्च चल रहा है, 31st मार्च चल रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? नाउ सपोज मैंने लॉन्ग फ्यूचर खेला है, मतलब अगर प्राइस बढ़ा तो मैं जीतूंगा, प्राइस गिरा तो मैं हारूंगा। ठीक है, ये टुडे, ये 5 मार्च 2018 105 रुपए का प्राइस चल रहा है। इतना समझ में आया आपको? अब अगर आज के दिन मैंने ये फ्यूचर खरीदा है तो मुझे सबसे पहले क्या पे करना पड़ेगा? इनिशियल मार्जिन। मुझे इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ेगा। मान लीजिए 5 मार्च को मैंने इनिशियल मार्जिन पे किया, इनिशियल मार्जिन डेबिट टू बैंक। इनिशियल मार्जिन सर कितना पे करेंगे? लेट अस से मैंने इनिशियल मार्जिन ऐसे ही सपोज इनिशियल मार्जिन मैंने परचेज पे कर दिया 10,000 रुपए का। बेटा ये 10,000 रुपए रिफंडेबल है, मतलब मैं अगर ट्रेडिंग नहीं करूंगा तो ये 10,000 मुझे वापस मिल जाएंगे। तो टू बी वेरी वेरी फ्रेंक, ये कोई फ्यूचर की अकाउंटिंग नहीं है, ये कोई डेरिवेटिव की अकाउंटिंग नहीं है। मैंने तुझे पास आपको बता दिया कि इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ता है, आप उलझो ना, इसलिए मैंने ये एंट्री कर दी। प्लीज इसको लिंक मत करो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ठीक है ना? अच्छा, 105, क्लियर है कि नहीं? अब बात करते हैं 5 मार्च को, 5th ऑफ मार्च को क्या कोई अकाउंटिंग होगी डेरिवेटिव की? अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर्स नो, कोई फ्यूचर की अकाउंटिंग
नहीं होगी, फ्यूचर की अकाउंटिंग नहीं होगी। पहले दिन मैंने पैसा लगा, मैंने बीएचएल के शेयर पर पैसा लगाया। शेयर पर पैसा लगाना मतलब फ्यूचर, शेयर खरीद लेना मतलब आपका अंडरलाइंग इक्विपमेंट खरीद लेना। 31 मार्च को ये शेयर 108 रुपए का हो गया, 31 मार्च को ये शेयर 108 रुपए का हो गया। स्टिल अभी तक ये सेटलमेंट पर नहीं आया, अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, पर 31 मार्च को 108 पे आ चुका है, मतलब बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डेरिवेटिव की अकाउंटिंग स्टार्ट होती है बैलेंस शीट डेट से। बैलेंस शीट डेट में वी नीड टू चेक, आई नीड टू चेक, सर व्हाट? आई नीड टू चेक माय पोजीशन, फेवरेबल और अनफेवरेबल। अगर फेवरेबल होगी तो मैं फाइनेंशियल असेट बनाऊंगा, अगर अनफेवरेबल होगी तो मैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनाऊंगा। मैं बताता हूं कैसे। देखो, 5 मार्च को मैंने जब फ्यूचर बीएचईएल के शेयर्स पर फ्यूचर का पैसा लगाया, मतलब पैसा लगाया, तो 5 मार्च को वैल्यू क्या थी? 105। और मैंने क्या पैसा लगाया? लॉन्ग फ्यूचर्स, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो मुझे गेन होगा। यहां पर प्राइस कितना हो गया? 108। 31 मार्च को प्राइस हो गया 108। अगर मैं यही कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन सेटल कर लेता हूं, सर सेटल कर पाएंगे क्या? यस। डेरिवेटिव में सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप चाहो तो बीच में से एग्जिट कर सकते हो, बीच में से एग्जिट कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू मीन्स एग्जिट प्राइस। तो आप चाहो तो बीच में से एग्जिट कर सकते हो, पूरा सेटलमेंट डेट का वेट मत करो। यहां पर सेटलमेंट डेट है 5 अप्रैल। तो बताओ बेटा, 31 मार्च को, मतलब बैलेंस शीट डेट पर 31 मार्च को क्या मैं एग्जिट कर सकता हूं? ऑल्दो मैं एग्जिट कर नहीं रहा हूं, अगर मैंने एग्जिट किया तो बताओ मुझे कितने का फायदा होगा? 105 रुपए पर मैंने दाव लगाया था कि ये बढ़ेगा और आज कितना हो गया? 108। 105 पे दाव लगाया था कि ये बढ़ेगा और आज हो गया 108, तो मुझे कितने का फायदा होगा? 3 रुपए का मुझे फायदा होगा। आई नो वेरी वेल कि इस 3 रुपए में मुझे कमीशन भी देना पड़ेगा ब्रोकर को, कि पर प्लीज ब्रोकर की कमीशन इग्नोर करके चलिए। आप ये देखो कि 105 रुपए, 105 रुपए का मैंने उसको बोला था कि दाव लगाओ 105 पे, और आज वैल्यू हो गई 108 रुपए। तो कुल मिला के मुझे 3 रुपए का फायदा हुआ। आई एम इन फेवरेबल पोजिशन, सो आई विल क्रिएट फाइनेंशियल असेट, बिकॉज ये 3 रुपए मुझे अभी मिलेंगे नहीं, अभी तो मैं सेटलमेंट तक खेलूंगा, अभी मुझे मिल नहीं रहे, ये मेरे लिए रिसीवेबल है। ये 3 रुपीज मेरे लिए क्या है? रिसीवेबल। तो इसीलिए मैं एक बैलेंस शीट पे डेरिवेटिव अकाउंटिंग करूंगा। डेरिवेटिव अकाउंटिंग बैलेंस शीट में क्या होगी? यहां पर होगी फ्यूचर्स, डेरिवेटिव फ्यूचर्स, फाइनेंशियल असेट, रिसीवेबल, डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन, प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा, मैं डेरिवेटिव अकाउंटिंग का मैंने आपको पिछली क्लासेस बताया था कि डेरिवेटिव में हमेशा FVTPL होता है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो जो भी मैं फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस बुक करूंगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू बुक करूंगा। यहां पर मैंने फेयर वैल्यू गेन बुक कर लिया और एक रिसीवेबल असेट दिखा दी फाइनेंशियल असेट नाम से, 3 रुपीज मुझे ये मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं? मतलब मैंने ये 3 रुपए का दिखा दिया कि मुझे मिलेगा। मान लीजिए सेटलमेंट पर, मान लीजिए सेटलमेंट पर प्राइस हो गया 107 रुपए, प्राइस वापस से उल्टा गिर गया, सेटलमेंट डेट पर प्राइस हो गया 107 रुपए, तो बताओ मुझे सेटलमेंट डेट पर क्या करना चाहिए? मैंने 3 रुपए का रिसीवेबल दिखाया था जबकि अब मुझे सिर्फ 2 रुपए मिलेंगे, तो यहां पर मुझे करना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट 2 रुपए, फेयर वैल्यू लॉस अकाउंट डेबिट 1 रुपीज टू डेरिवेटिव फ्यूचर्स रिसीवेबल 3 रुपीज। सिंपल, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर की अकाउंटिंग। फ्यूचर में कुछ नहीं रखा बेटा, फ्यूचर की अकाउंटिंग इसी तरीके से होती है, कुछ है ही नहीं फ्यूचर्स में। बस आपको बस ये देखना है कि आप किस पोजीशन पे हो, बैलेंस शीट डेट पे अपनी पोजीशन चेक करो। फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से, फ्यूचर में गोल्डन रूल इज इनिशियल मार्जिन देने के अलावा बैलेंस शीट पे अपनी एक पोजीशन चेक कर ली जाए कि बैलेंस शीट पर हम क्या कर रहे हैं। बैलेंस शीट पर अगर मैं इसमें से एग्जिट करूं, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करूं, तो मैं फायदे में हूं कि मैं नुकसान में हूं? ऑल्दो मैं खत्म नहीं कर रहा हूं पर मैं फायदे में हूं कि नुकसान में हूं? अगर मैं फायदे में हूं
तो मुझे फाइनेंशियल असेट क्रिएट करनी चाहिए, अगर मैं नुकसान में हूं मतलब मुझे पे करना पड़ेगा तो मुझे फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? और फिर सेटलमेंट डेट पर अकॉर्डिंगली हम सेटलमेंट के हिसाब से फिर फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस निकालेंगे। जो भी फेयर वैल्यू गेन और लॉस निकलेगा वो दोनों के दोनों पीएनएल में जाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? 3 रुपए का फेयर वैल्यू गेन पीएनएल में गया पिछले साल और 1 रुपए का फेयर वैल्यू लॉस इस साल मतलब अप्रैल में, अप्रैल वाले ईयर में इस साल में पीएनएल में गया। समझ में आई बात? सो दिस वॉज फ्यूचर की अकाउंटिंग। अभी इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, बट मैं चाहूंगा कि पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए, हम और एक चर्चा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल टू, आई बॉट निफ्टी फ्यूचर्स शॉर्ट, निफ्टी फ्यूचर्स शॉर्ट टुडे, निफ्टी इज एट 8980। बॉट वन लॉट ऑफ 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब समझते हो ना? प्राइस विल फॉल, कॉन्ट्रैक्ट 2 मंथ्स, परचेज डेट, परचेज डेट फॉर एग्जाम्पल 11th नवंबर, सेटलमेंट डेट 15th जनवरी, लगभग 2 महीने हुए, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर क्वार्टर एंडिंग, भाई क्वार्टर एंडिंग होगी तो बैलेंस शीट बनेगी ना, निफ्टी इज एट 8910। ऑन 15th जनवरी निफ्टी एट 8905, ठीक है। सबसे पहले डे वन, क्या मैंने यहां पर आपको कोई भी इनिशियल मार्जिन बताया? नहीं बताया। डे वन मतलब 11 नवंबर नो एंट्री, 31 दिसंबर 17 बैलेंस शीट डेट, बताइए मेरी क्या पोजीशन बन रही है। मैंने शॉर्ट खरीदा, मैंने बोला कि प्राइस विल फॉल, प्राइस घटेगा, प्राइस गिरेगा, कहां से गिरेगा? ये जो है ना 8980 इसमें से गिरेगा। बताओ प्राइस गिरने के बजाय बढ़ गया कि गिर गया, मुझे बताओ। ऑन 31 दिसंबर क्वार्टर एंडिंग निफ्टी इज एट 8910, 8980 था, 8910 हो गया। यस, निफ्टी गिर गया, निफ्टी गिर गया तो आई विल क्रिएट फाइनेंशियल असेट। तो डेरिवेटिव फ्यूचर्स रिसीवेबल, ब्रैकेट में फाइनेंशियल असेट डाल सकते हो, डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन, टू फेयर वैल्यू गेन। आ रही बात समझ में कि नहीं? टू फेयर वैल्यू गेन, इज इट क्लियर गाइस? कितना? 100 यूनिट्स, कितना में जीता? 8980 माइनस 8910, 70 रुपए के हिसाब से, तो मतलब 7000 का आई विल क्रिएट असेट। फिर उसका सेटलमेंट डेट 15th जनवरी, निफ्टी कितना हो गया? 8905, निफ्टी और गिर गया, मुझे और फायदा हुआ,
तो मैं सबसे पहले डेरिवेटिव फ्यूचर्स रिसीवेबल फाइनेंशियल असेट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन पी एंड एल, यहां पे भी पी एंड एल, 100 इंटू 5 रुपए 500। तो कुल मिला के मुझे बताइए 7,000 और 500, 7,500 मुझे मिलेंगे। और यहां पर मैं एंट्री कर लूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 7,500 टू डेरिवेटिव फ्यूचर्स रिसीवेबल, ये दोनों चीजें पीएनएल में चली जाएंगी। इज इट क्लियर गाइस? सो शॉर्ट और लॉन्ग का खेल इस तरीके से होता है। अगर इसी की जगह पे हारता अगर मैं, तो मुझे फेयर वैल्यू लॉस बुक करना पड़ता। बेटा फ्यूचर में दोनों रिस्क, मतलब फ्यूचर में डबल साइड चीज हो सकती है, आप गेन में भी जा सकते हो, आप लॉस में भी जा सकते हो, ठीक है ना। फ्यूचर में एक और बात याद रखना, आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड भी हो सकता है, आपका लॉस अनलिमिटेड भी हो सकता है। यही बात जब मैं ऑप्शन में आऊंगा तो ऑप्शन में आपको थोड़ा सा कुछ चेंज मिलेगा। तो इसलिए फ्यूचर में याद रखिएगा, फ्यूचर में आपका गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, गेन अनलिमिटेड भी हो सकता है, लॉस अनलिमिटेड भी हो सकता है, ठीक है ना। फ्यूचर की तरह ही होता है एक फॉरवर्ड, बस फ्यूचर और फॉरवर्ड में एक छोटा सा फर्क है। फ्यूचर जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी के थ्रू रेगुलेट होता है। जैसे मैंने निफ्टी के ऊपर पैसा लगाया तो रेगुलेटेड बाय, कहीं ना कहीं मार्केट ड्रिवन रेगुलेटेड है, सेबी के थ्रू रेगुलेशंस है, बनाई गई हैं। फॉरवर्ड्स में जरूरी नहीं कि किसी के थ्रू रेगुलेट किया जाए, हो सकता है हम किसी पर्टिकुलर ऐसे अंडरलाइंग पे पैसा लगा रहे हैं जिसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, बिटकॉइन पे अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो मैं कौन से को बिटकॉइन खरीद रहा हूं, वो वर्चुअल करेंसी है। और बिटकॉइन अगर वर्चुअल करेंसी है तो मुझे फिजिकल आइटम तो आया नहीं, और बिटकॉइन के ऊपर कहा जाता है कि कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई देख रेख करने वाला कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। सो बेटा पैसा बिटकॉइन में लगाना इज ऑल्सो फ्यूचर, बट उसको मैं फ्यूचर ना बोल के मैं बोलूंगा इट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इट इज अ ओटीसी, लाइक एन ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अगर बिटकॉइन मैंने खरीदा तो मैं बोलूंगा यार मैं चाहूंगा कि ये बढ़े, और अगर बढ़ने के बजाय गिर गया तो मैं नुकसान, और अगर बढ़ गया अगर वो तो मैं फायदा। ना मुझे कोई बिटकॉइन करेंसी मिलेगी, ना मैं कोई करेंसी वो कहीं यूज करूंगा, इंडिया में उस करेंसी को यूज नहीं किया जा सकता लीगली, तो मुझे सिर्फ उसका फायदा नुकसान होगा। समझ आया कि नहीं? सो बिटकॉइन में पैसा लगाना इज लाइक फॉरवर्ड, इट इज ओटीसी ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, और फ्यूचर्स मतलब इट इज ड्रिवन बाय रेगुलेशन, हम रेगुलेटिंग अथॉरिटी कोई है। एक और बात, फ्यूचर में जो लॉट साइज रहता है, जैसे एक लॉट में 100 यूनिट है, या कितने पीरियड पे लगाया, 1 मंथ का खरीदा, 2 मंथ का खरीदा, तो फ्यूचर में टेन्योर जो होता है वो फिक्स होता है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ ऐसा, और लॉट साइज भी फिक्स होता है, साइज कितना कॉन्ट्रैक्ट करोगे, मिनिमम 100 मिनिमम 50, वो एक फिक्स रखते हैं। जबकि फॉरवर्ड में फिक्स नहीं हो सकता, आप बिटकॉइन कितने भी खरीदो, आप सट्टा लगा रहे हो कहीं पे, किस कितने के ऊपर भी लगा लो, मैं कॉटन के प्राइसेस पर सट्टा लगा रहा हूं, मैं कितने भी किलो के कॉटन के प्राइसेस पे लगा सकता हूं, भाई कॉटन के प्राइसेस पे ये लगाऊंगा कि कॉटन का प्राइस बढ़ेगा कि गिरेगा, तो लगाना पड़ेगा ना कि कितने किलो के हिसाब से मैं कॉटन के पैसा लगा रहा हूं, कितने टन्स पे लगा रहा हूं। सो फॉरवर्ड में फिक्स टेन्योर और फिक्स साइज नहीं होता, जबकि फ्यूचर में फिक्स टेन्योर और फिक्स साइज होता है। फ्यूचर में जो अंडरलाइंग होती है उसके ऊपर रेगुलेशंस हैं, जबकि फॉरवर्ड में जो अंडरलाइंग होती है उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? अकाउंटिंग सेम टू सेम, सिर्फ यहां पर डेरिवेटिव फॉरवर्ड्स आ जाएगा फ्यूचर की जगह पे, अगर फॉरवर्ड होगा तो डेरिवेटिव फॉरवर्ड रिसीवेबल या डेरिवेटिव फॉरवर्ड पेबल, इस तरीके से आ जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी? फ्यूचर की अकाउंटिंग बिल्कुल आसान है, फॉरवर्ड की अकाउंटिंग बिल्कुल आसान है। इसमें एक बात मैंने अभी आपसे डिस्कस नहीं की है, वो क्या बात है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड नॉट एग्जैक्टली सो मच इंपॉर्टेंट, मार्क टू मार्केट मार्जिन, डेली मार्जिन जिसको बोलते हैं, मार्क टू मार्केट मार्जिन, या फिर इन शॉर्ट आई कैन से डेली मार्जिन। एक डेली मार्जिन का फंडा चलता है कभी कभार, जरूरी नहीं कि ये डेरिवेटिव में फ्यूचर में हमेशा होता है, बट यस डेली मार्जिन का फंडा हो सकता है। कैसे हो सकता है डेली मार्जिन का फंडा? डेली मार्जिन का फंडा ये होता है कि जैसे मैंने
निफ्टी 8980 पे पैसा लगाया, कब लगाया? 11 नवंबर को लगाया। 12 नवंबर पे 8980 से 8982 हो गया, बढ़ गया, 8982 हो गया, बढ़ गया, जबकि मैंने पैसा क्या लगाया था सोच के, शॉर्ट मतलब गिरेगा, जबकि 8982 हो गया। तो 2 रुपए जो बढ़ गया है, जो 2 रुपीज बढ़ गया है, वो 2 पॉइंट जो बढ़ा है, उसका मुझे सामने वाले ब्रोकर को पे करना पड़ेगा। डेली मार्जिन आई नीड टू पे हिम। आ रही बात समझ में कि नहीं? मुझे उसको पे करना पड़ेगा, मुझे उतनी भरपाई करनी पड़ेगी क्योंकि मैं हार रहा हूं। फिर वापस से मान लीजिए 13 मार्च को ये 8982 से 5 घट गया, 8977 हो गया। अब 5 रुपए ब्रोकर मुझे मेरे बैंक अकाउंट में डालेगा, या जो उसके पास मेरा इनिशियल मार्जिन है उसमें से वो एडजस्ट करेगा। सो रोज के रोज डेली मार्जिन का हिसाब किताब रहता है कि कितना गया कितना आया, कितना गया कितना आया, कितना गया कितना आया, डेली मार्जिन का फंडा रहता है। तो इसमें एक एंट्री और जुड़ जाती है फ्यूचर्स के केस में। डेली मार्जिन के केस में, डेली मार्जिन के केस में या तो आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा, पेमेंट, ऑब्वियसली पेमेंट कब कर रहे हो? जब अनफेवरेबल सिचुएशन है, चाहे आप लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, तो आप एंट्री क्या करोगे? मार्क टू मार्केट MTM डेली मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मार्क टू मार्केट डेली मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर आप पेमेंट कर रहे हो। जबकि अगर आपको डेली मार्जिन रिसीव हो रहा है, ठीक है ना, मतलब फेवरेबल पोजीशन, तो आपको ये मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्क टू मार्केट डेली मार्जिन, मार्क टू मार्केट डेली मार्जिन। समझ में आई बात कि नहीं? अब आप पूछोगे, सर जो ये MTM DM अकाउंट है, इसका नेचर क्या है, ये है क्या चीज? ये एक टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट, मान लो ये एक टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट है। अगर इसका डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है तो मतलब हमने पेमेंट किया है, और अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो हमें पेमेंट मिला है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका डेबिट बैलेंस है या इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसको मैं आपको इस तरीके से बताता हूं। अच्छा, ये डेली मार्जिन के बदले वीकली मार्जिन भी हो सकता है, मंथली मार्जिन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टेड इन निफ्टी शॉर्ट, आज का प्राइस चल रहा है 8980, 8980, 11 नवंबर को, ठीक है ना? 2 मंथ का लिया है। अच्छा, मुझे 25 नवंबर को मार्जिन, या फिर मैं ऐसा नहीं करता हूं, 25 नवंबर को निफ्टी हो गया 8990, फिर 10 दिसंबर को निफ्टी हो गया 8975, फिर 31 दिसंबर को निफ्ट, अच्छा यहां पर 7 थ्रू मार्जिन, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इन्वेस्टेड इन निफ्टी शॉर्ट। मैं बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जानबूझ के, इसलिए मैंने मिटा दिया। इन्वेस्टेड इन निफ्टी शॉर्ट, 2 महीने के हिसाब से शॉर्ट का मतलब प्राइस विल फॉल। 8980 से 8990 हो गया, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा डेली मार्जिन का कि रिसीव होगा? यहां पर पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट। फिर 8975 हो गया, अब मुझे वापस मिलेगा बिकॉज 8990 से कम हो गया, सो रिसीव। अब यहां पर निफ्टी हो गया 8965, नॉट येट रिसीव्ड। आप समझना इसको फंडा, इसका फंडा कैसे होगा, किस तरीके से हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है? सबसे पहले 11 नवंबर नो एंट्री, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं,
25 नवंबर, बताओ भाई 25 नवंबर, 8990 हो गया, 8980 से 8990 हो गया, क्या होगा? मुझे मार्जिन पे करना पड़ेगा क्योंकि निफ्टी बढ़ रहा है, जबकि मैंने निफ्टी के गिरने पर पैसा लगाया था। तो मार्क टू मार्केट डेली मार्जिन डेबिट टू बैंक, मुझे 10 रुपए का पेमेंट करना पड़ा। फिर 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, अब 899, देखो 8980 से 8990 हो गया, 8990 से 8975 हो गया गाइस, 8975 हो गया, बताओ 8975 हो गया, तो अब मुझे पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट 15 रुपए। टू मार्क टू मार्केट डेली मार्जिन 15 रुपए, समझ में आई बात? अब 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 8965 हो चुका है, जबकि अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला है। मान लीजिए आज मार्जिन का कोई सेटलमेंट मान लो नहीं हुआ है, पहली बात तो 31 दिसंबर को क्या होगी? डेरिवेटिव अकाउंटिंग, डेरिवेटिव की अकाउंटिंग होगी। सर अभी तक कौन सी अकाउंटिंग कर रहे हैं? अभी तक हम अभी तक कोई डेरिवेटिव अकाउंटिंग नहीं है। मैंने यहां पर अभी तक कोई डेरिवेटिव असेट या लाइबिलिटी बुक नहीं किया, यहां तक तो सर मैंने या तो पैसा लिया या तो पैसा दिया, या तो पैसा लिया या तो पैसा दिया। अब डेरिवेटिव अकाउंटिंग क्या होगी? चेक पोजीशन, फेवरेबल और अनफेवरेबल, देखते हैं भाई। 8980 से शुरुआत की थी और दिसंबर में 8965 हो चुका, फाइनल पोजीशन बताओ मेरी क्या है? 8980 से शुरुआत की थी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8980 था, मैं इसको बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जिस पे शर्त लगी, एक बेस प्राइस, मतलब 8980 था, 8965 हो गया, बताओ मेरा फेवरेबल पोजीशन है कि अनफेवरेबल? हाँ जी, 8980 से 8965 हो गया, मतलब मैं कितना फेवरेबल पोजीशन पे हूं? 80 से 69 हो गया, ये 15 रुपए की फेवरेबल पोजीशन पे हूं मैं, फाइनल नेट फेवरेबल पोजीशन की बात कर रहा हूं, आज से लेकर मतलब शुरुआत से लेकर अभी तक का मैं 15 रुपए के गेन पर हूं। तो मैं 15 रुपए के गेन पर हूं, तो मेरी डेरिवेटिव अकाउंटिंग में क्या होगा? डेरिवेटिव फ्यूचर्स रिसीवेबल 15 टू फेयर वैल्यू गेन 15, फेयर वैल्यू गेन 15, बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं आज एक बैलेंस शीट बनाऊं 31 दिसंबर की क्वार्टर एंडिंग की, तो यहां पर करंट असेट दिखेगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में फाइनेंशियल असेट के अंडर दिखेगा डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स रिसीवेबल 15 रुपए। अब इस टेम्पररी अकाउंट को देखो, MTM DM, एक सस्पेंस अकाउंट है ये, यहां पर मैंने 10 रुपए दिए थे और यहां पर मैंने 15 रुपए लिए हैं, 10 रुपए पे किए हैं, 15 रुपए लिए हैं, तो इसका नेट बैलेंस निकालो, डेबिट बैलेंस आ रहा है कि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? डेबिट 10 क्रेडिट 15, तो नेट क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 5 रुपए का, तो माइनस MTM DM 5 रुपए का। अगर मैं नेट देखूं तो मुझे सिर्फ अभी 10 रुपए ही रिसीव होना है क्योंकि मुझे 5 रुपए नेट रिसीव हो चुका है। आप देखो इसको चेक करते हैं, क्रॉस कंडीशन क्रॉस चेक करते हैं, मैंने 8980 से डायरेक्टली 8965 तक का सफर देखा डेरिवेटिव अकाउंटिंग करने के लिए, जबकि जब मैं उसका नेट में बैलेंस शीट में देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है सिर्फ मुझे अब 10 रुपीज ही रिसीव होने वाला है, क्योंकि 5 रुपए मुझे डेली मार्जिन के रूप में मिल चुका है। स्टार्टिंग में मुझे 10 रुपए पे करना पड़ा, जबकि बाद में मुझे 15 रुपए मिल गया, मतलब मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल ही गया है। तो यहां पर देखें कि लास्ट टाइम 8975 था जब मुझे डेली मार्जिन मिला था, और अब 8965 हो चुका है, तो दैट मीन्स मुझे 10 रुपए और मिलने चाहिए, और 10 रुपए का मेरा डेरिवेटिव रिसीवेबल करके असेट दिख रहा है। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि मार्क टू मार्केट मार्जिन या डेली मार्जिन का फंडा सिर्फ इतना है कि या तो दे दो या तो ले लो, और देने लेने पर जो भी उसका फाइनल बैलेंस आए उसको फाइनल असेट या लाइबिलिटी से लेस करके दिखाना है, फाइनल असेट या लाइबिलिटी से लेस करके दिखाना है। एक और बात, ईयर एंड पे जब मैं असेट या लाइबिलिटी क्रिएट करूंगा तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कंपेयर करूंगा आज के ईयर एंडिंग प्राइस पर, और जो भी फेवरेबल या अनफेवरेबल पोजीशन निकलेगा उसको नेट गेन या नेट लॉस के हिसाब से असेट और लाइबिलिटी क्रिएट किया जाएगा, उस असेट लाइबिलिटी से लेस करके दिखाया जाएगा MTM DM, मार्क टू मार्केट मार्जिन। चलिए
दिस वॉज फ्यूचर्स। फ्यूचर की अकाउंटिंग पेज नंबर 16 पर दी हुई है। फ्यूचर के रिगार्डिंग जितना भी मैंने अभी आपको बताया वो सबसे पहले आप पेज नंबर 16 पढ़ लीजिए, देन वील ट्राई क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। हाँ जी, चलिए देखते हैं फ्यूचर्स में क्या क्या लिखा हुआ है। इंटर्ड इनटू विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज। देखिए, विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज मतलब कोई ना कोई रेगुलेशंस हैं। इट हैज डिफाइंड अंडरलाइन, अंडरलाइन डिफाइंड है, या तो निफ्टी के ऊपर लगा सकते हो या तो किसी कंपनी के शेयर्स पे लगा सकते हो। आजकल ना डायरेक्ट निफ्टी वगैरह पे भी लगता है और डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स का भी फ्यूचर ट्रेडिंग होता है। डिफाइंड टेन्योर, टेन्योर उसका डिफाइंड होता है, डिफाइंड साइज। लॉन्ग पोजिशन प्राइस विल गो अप, शॉर्ट पोजिशन प्राइस विल गो डाउन। ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नो अकाउंटिंग एक्सेप्ट फॉर द मार्जिन पेमेंट ओनली प्रॉपर डिस्क्लोजर कैन बी गिवन। कॉन्ट्रैक्ट की डेट पर कुछ भी अकाउंटिंग नहीं होगी, सिर्फ मार्जिन का पेमेंट होगा। एट ईच रिपोर्टिंग डेट डेरिवेटिव फ्यूचर असेट और लाइबिलिटी शैल बी रिकॉग्नाइज थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ऑन सेटलमेंट डेट गेन और लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। और सेटलमेंट करने पर जो भी गेन लॉस होगा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अकाउंटिंग एंट्रीज, पहला इनिशियल मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इनिशियल मार्जिन फ्यूचर में जमा किया बैंक, इसको क्या लिखोगे साइड में, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये आपका कोई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऑल्दो फाइनेंशियल असेट है पर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अच्छा, कभी कभार आपको पता है डेली मार्जिन जो मुझे पेन लेना देना पड़ रहा है, अगर मैंने इनिशियल मार्जिन अच्छा खासा जमा करके रखा है तो मेरा डेली मार्जिन इनिशियल मार्जिन से भी सेट ऑफ किया जा सकता है। मतलब ब्रोकर बोलेगा यार रोज रोज का टाइम नहीं है, मैं आपके
इनिशियल मार्जिन से सेट ऑफ कर लेता हूं अगर आपसे लेना है तो, और अगर देना है तो आपके इनिशियल मार्जिन में ही प्लस करते जा रहा हूं, देता जा रहा हूं, ऐसा भी होता है। फॉर मार्क टू मार्केट मार्जिन बैंक टू एमटीएम डीएम या एमटीएम डीएम टू बैंक, रिकॉग्निशन ऑन बैलेंस शीट डेट, यहां पर एनडीएस लगेगा एट फेयर वैल्यू, या तो फ्यूचर असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फ्यूचर लाइबिलिटी। ठीक है, मैंने डायरेक्टली पीएनएल किया है, अपने को क्या करना है, अपने को फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस करना है। फिर सेटलमेंट अगर रिसीव हुआ या सेटलमेंट अगर पेमेंट हुआ, क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मिस्टर ए परचेजेस द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ इक्विटी स्टॉक फ्यूचर्स। मिस्टर ए ने कुछ इक्विटी स्टॉक फ्यूचर्स के यूनिट खरीदे हैं। डेट ऑफ परचेजेस, नेम ऑफ कंपनी, एक्सपायरी डेट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर यूनिट और कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब लॉट साइज। 28 मार्च को एक्स वाई जेड कंपनी के शेयर का फ्यूचर खरीदा। 3 मई की एक्सपायरी है मई 2003 की। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर यूनिट 1420 और कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 200। ठीक है, अब इसमें एक बेसिक बात हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, अगर क्वेश्चन में लॉन्ग या शॉर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लॉन्ग या शॉर्ट के बारे में कुछ ना बताया जाए, तो हमेशा हमें लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा। इफ द क्वेश्चन स्पेसिफाइज नथिंग अबाउट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, देन वी विल ऑलवेज अज्यूम दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ लॉन्ग पोजिशन नॉट शॉर्ट पोजिशन। मतलब हम लॉन्ग पोजिशन की बात करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, इस क्वेश्चन में लॉन्ग पोजिशन की बात चल रही है। ठीक है, चलिए तो फिर करके देखते हैं। 28 मार्च एक्स वाई जेड, एक्सपायरी डेट मई 2003, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1420, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 200। 28 मार्च नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं, सिर्फ मैंने एक्स वाई जेड का लॉन्ग खरीदा है और प्राइस कितना चल रहा है 1420। मतलब अगर 1420 से ऊपर गया, 1420 से ऊपर गया तो मैं गेन में हूं, और अगर नीचे चला गया तो मैं लॉस में हूं। ठीक है, फिर 29 मार्च, 29 मार्च को भी पीक्यूआर का लॉन्ग खरीदा कोई दूसरे शेयर पर, 4280 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अगेन अगर प्राइस बढ़ा तो मैं गेन, नहीं तो मैं लॉस में, नो एंट्री। फिर 29 मार्च को एक्स वाई जेड, मतलब सेम एक्स वाई जेड का फिर से खरीदा अगेन। अरे होता है ना कि आप इंफोसिस कंपनी के 50 शेयर खरीद रहे हो, अगले दिन आपको लगा 50 और खरीद लेते हैं तो कुल मिला के 100 हो जाएंगे, ऐसे आपने एक्स वाई जेड के लॉन्ग खरीदे, 100 कॉन्ट्रैक्ट पे, 200 कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया, 200 यूनिट्स पे लगाया, फिर से आपने 200 के ऊपर फिर से लगाया, पर अगले दिन तक प्राइस गिर चुका था 1416। आपकी भविष्यवाणी है कि प्राइस बढ़ेगा, अगले दिन तक गिर गया तो आपने और पैसा लगा दिया कि नहीं नहीं ये तो टेम्पररी गिरावट है, पैसा मुझे तो गेन होगा क्योंकि प्राइस तो बढ़ेगा। देखो होता है, आज मैं फॉर एग्जाम्पल, आज मैं 500 रुपए के हिसाब से पैसा लगा रहा हूं, मतलब आज शेयर का प्राइस 500 रुपए है, मैंने शेयर खरीद लिया, कल को मैंने ये सोच के खरीदा कि शेयर का प्राइस 500 से 800 तक जाएगा, कल को ये शेयर 500 से 400 हो गया, मुझे पता है कि अगर ये टेम्पररी गिरावट है तो मैं मार्केट में और पैसा लगाऊंगा क्योंकि मुझे फायदा और ज्यादा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो प्राइस बढ़ेगा, तो 1420 से 1416 हो गया, मतलब ये टेम्पररी गिरावट है, ये टेम्पररी गिरावट है, तो उसने क्या किया, एक और बार खरीद लिया लॉन्ग। ठीक है भाई, अब क्या हो गया, इसके पास एक्स वाई जेड के 200 यूनिट्स 1420 पे लगाए हैं और 200 यूनिट्स
1416 में लगाए हैं, ठीक है ना। तो अब इसके पास कितने हो गए, 400 यूनिट्स हो गए। तो बताओ बेटा एवरेज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हो जाएगा। एवरेज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगा 1420 इंटू 200 प्लस 1416 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय 400 करो इसको, कितना हो रहा है। दैट इज 1418। दिस इज एवरेज। आई थिंक आपको पता होगा, फिर भी बता देता हूं, दिस इज वेटेड एवरेज। सर मतलब क्या किया आपने बेसिकली? अरे ऐसा है कि मान लीजिए आप खरीदते जा रहे हो, 200 यूनिट पे आपने 1420 पे पैसा लगा लिया, फिर आपने 1416 पे 200 पे और लगा लिया, फिर आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो। जब फाइनल आप इसको सेटल करोगे, या अगर आप मान लो बीच में कभी सेटल करते हो कि यार मैंने 200 खरीद लिए, फिर मैंने 200 खरीद लिए, फिर मैंने 100 खरीद लिए, मैंने मैंने 50 खरीद लिए, अब जब मैं बेचूंगा, मान लीजिए मैं कुछ पार्शियल यूनिट्स बेच रहा हूं, तो मैं कौन सा बेचूंगा, जो सबसे पहले खरीदा कि जो सबसे लास्ट में खरीदा। इसीलिए वेटेड एवरेज किया जाता है कि जब भी हम बेचेंगे तो हम मान लेंगे कि हमारा वेटेड एवरेज कॉस्टिंग प्राइस, वेटेड एवरेज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या कॉस्टिंग 1418 का है। ऐसा मैं पीक्यूआर पे नहीं करूंगा क्योंकि पीक्यूआर का एक ही बार हुआ है। अच्छा यहां पर भी नो एंट्री खरीदने की, ठीक है। सो एक ही फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट पे अगर आप बार बार पैसा लगा रहे हो तो आपको बार बार वेटेड एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेट नेट मार्क टू मार्केट मार्जिन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द शेयर ऑफ एक्स वाई जेड। देखो बोल रहा है रिसीव्ड, रिसीव्ड टिल सेटलमेंट डेट इज 4000। रिसीव हुआ है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है और रिसीव हुआ है मतलब सही में प्राइस बड़ा होगा। एंड नेट मार्क टू मार्केट पेड, मार्क टू मार्केट मार्जिन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द शेयर ऑफ पी क्यू आर टिल सेटलमेंट डेट इज 3500। जर्नलाइज द सेटलमेंट एंट्री केस वन, नो फिजिकल डिलीवरी। केस वन मतलब अगर हम शेयर कोई खरीदना बेचना नहीं चाहते, फिजिकल डिलीवरी नहीं है। चलिए सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट डेट पर यहां सेटलमेंट डेट आएगी और यहां बिफोर सेटलमेंट डेट, एक सेटलमेंट डेट और एक बिफोर सेटलमेंट डेट। बिफोर सेटलमेंट डेट एक्स वाई जेड पर हमें पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्क टू मार्केट डेली मार्जिन कितना, 4000। कितने यूनिट्स पर मिला होगा, 400 यूनिट्स पर डेफिनेटली, क्योंकि 200 200 यूनिट हमने दो बार खरीदे थे। तो मतलब कितना बड़ा, 10 रुपए। प्राइस इंक्रीजेस बाय 10 रुपीज, दैट मीन्स 1428। 1418 से 10 रुपए बढ़ के 1428 हो गया, ठीक है। और पीक्यूआर में क्या करना पड़ा, एम टी एम डी एम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एम टी एम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब हमें पे करना पड़ा कितना, 3500। 3500 पे करना पड़ा। आ रही है बात समझ में? मैंने ऐसा सेम यहां पर नोट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, तो 3500 यूनिट कितने थे, 50, आई थिंक 50 यूनिट थे, ओके।
3500 डिवाइड बाय 50 मतलब प्राइस फॉल बाय 70 दैट इज 4280 माइनस 70 दैट इज 4210। ये सिचुएशन हो गई, आई बात समझ में बेटा? ठीक है, सेटलमेंट डेट पे क्या करेंगे? डेरिवेटिव अकाउंटिंग, क्योंकि यहां पर बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट डेट वगैरह कुछ भी नहीं बताई, तो यहां पर सेटलमेंट डेट पे ही डायरेक्टली अपन क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव अकाउंटिंग। चलिए सबसे पहले एक्स वाई जेड डेरिवेटिव फ्यूचर्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन P&L 4000। सर कैसे 4000? 10 रुपए से बड़ा, 10 रुपीज से बड़ा इंटू 400 यूनिट पर 4000, जो कि मार्जिन के रूप में मुझे मिल चुका है। PQR में फेयर वैल्यू लॉस P&L डेबिट 3500 टू डेरिवेटिव फ्यूचर्स पेबल, डेरिवेटिव फ्यूचर्स पेबल, ठीक है, क्लियर? ऑल्दो मनी हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड ऑन एक्स वाई जेड एंड पेड ऑन PQR, जो मैं दिखा रहा हूं ना रिसीवेबल, वो MTM DM के थ्रू मुझे रिसीव हो भी चुका है, और मैं जो दिखा रहा हूं पेबल, वो MTM DM के थ्रू मैं पे कर भी चुका हूं। तो एंट्री करूंगा यहां पर MTM DM, ठीक है, MTM DM डेबिट टू डेरिवेटिव फ्यूचर रिसीवेबल 4000, और डेरिवेटिव फ्यूचर पेबल टू MTM DM 3500। समझ आया सबको? अगर ये MTM DM का खेल नहीं होता, डेली मार्जिन का खेल नहीं होता, तो सिर्फ ये दोनों एंट्रीज होती, बैलेंस शीट डेट पे या सेटलमेंट डेट पे, फिर बैंक के थ्रू मैं एंट्रीज करता। अभी मैं बैंक के थ्रू पैसा इसलिए नहीं ले रहा दे रहा क्योंकि ऑलरेडी मुझे मिल गया है या मैंने पे कर दिया है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा जी, और वो क्या बोल रहा है? फिजिकल डिलीवरी नहीं है, तो ये वही वाला क्वेश्चन है, केस है जो फिजिकल डिलीवरी जिसमें नहीं हुई है। पर अगर मान लीजिए फिजिकल डिलीवरी करनी पड़ती तो क्या हो जाता? फिजिकल डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी मतलब नाउ आई विल परचेज द शेयर ऑफ एक्स वाई जेड एंड PQR, आई विल परचेज शेयर ऑफ एक्स वाई जेड एंड PQR, मैं एक्स वाई जेड और PQR का शेयर परचेज करूंगा। सो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एक्स वाई जेड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स PQR टू बैंक, मैं शेयर परचेज करूंगा एक्स वाई जेड का, मैं शेयर परचेज करूंगा PQR का। कितने का सर? जो भी आज की मार्केट प्राइस होगी। बताओ आज की मार्केट प्राइस शेयर की एक्स एक्स वाई जेड की कितनी हो गई? 1428, और PQR की कितनी हो गई? 4210। तो चलो खरीदते हैं, 1428 इंटू 400 ये हो गया 5,17,200, और 4210 इंटू 50 दैट इज 2,10,500, 7,27,700।
मैंने 7,27,700 में शेयर एक्स वाई जेड और पी के आर का खरीद लिया। आपको पता है मुझे एक्स वाई जेड पर शेयर मैंने 1,428 में खरीदा है, जबकि उधर से मुझे 4,000 रुपए की रिकवरी हो गई। मतलब मुझे ये शेयर सस्ता पड़ा, 15 मतलब 5,17,200 में तो खरीदा 1,428 के हिसाब से, पर अलग से मुझे ये 4,000 की रिकवरी हो गई। जबकि उल्टा पी क्यू आर में मुझे रिकवरी नहीं हुई। मैं चाहता तो पी क्यू आर का शेयर मतलब मैंने 4,210 पे अभी खरीद लिया है, और उधर से मैंने 3,500 रुपये पे कर दिए, जबकि मुझे ये शेयर महंगा पड़ गया। मतलब ये मुझे शेयर एक्स वाई जेड का सस्ता पड़ा, क्योंकि मेरी 4,000 की रिकवरी हो गई। उल्टा ये शेयर 4,210 का तो खरीदा ही खरीदा, इसके अलावा 3,500 रुपये और देने पड़े, क्योंकि उधर मेरे को लग रहा था कि शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, जबकि गिर गई, तो ये महंगा पड़ा। तो कुल मिला के आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये केस टू है और ये फिलहाल केस वन है। केस वन जहां फिजिकल डिलीवरी नहीं हो रही, डेरिवेटिव, जैसे ही फिजिकल डिलीवरी हो रही तो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट चेंज होके नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फॉरवर्ड की बात करने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट, अगेन पहले पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, फ्यूचर्स में क्या क्या किया इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको पास आपके साथ फॉरवर्ड का एक क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 13। फिर से अगेन याद रहे, फॉरवर्ड के केस में सारी की सारी एंट्रीज वही होंगी, डेली मार्जिन का फंडा नहीं होगा, क्योंकि फॉरवर्ड इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन बाय एनी रेगुलेटिंग अथॉरिटी। वो नहीं बोल रहा है कि आप डेली मार्जिन करो, आप दो व्यक्ति हो, आपस में शर्त लगा रहे हो, डेली मार्जिन रख रहा है, रखना है नहीं रखना है आपकी मर्जी, साइज कितना रखना है आपकी मर्जी, कितने महीनों का पीरियड रखना है आपकी मर्जी, अंडरलाइन कौन सी होनी चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए या फिर मौसम होना चाहिए, शर्त किस पे लगा रहे हो आपकी मर्जी, तो वो फॉरवर्ड बन गया। करेंसी होनी चाहिए तो वो फॉरवर्ड बन गया। तो फॉरवर्ड की अकाउंटिंग सेम है, इनिशियल कुछ भी नहीं करेंगे, बैलेंस शीट डेट पे डेरिवेटिव असेट या लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे थ्रू पीएनएल, और सेटलमेंट डेट पर गेन और लॉस बुक करेंगे, डेली मार्जिन का फंडा नहीं होगा। ठीक है, यहां पढ़ लेते हैं फॉरवर्ड में। सेम एज फ्यूचर्स बट विदाउट एक्सचेंज, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, एनी अंडरलाइंग, एनी साइज, एनी टेन्योर। ठीक, ये अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 करवाता हूं, बट बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन नंबर 12 वाले देख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जो फ्यूचर्स की तरह ही होते हैं और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। फॉरवर्ड्स में जैसा अभी हमने डिसाइड किया, डिस्कस किया कि फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, कोई फिक्स्ड अंडरलाइंग नहीं है, फिक्स्ड साइज नहीं है। ठीक है ना, ओटीसी आपने सुना होगा एक टर्म, ओटीसी ओवर द काउंटर, ये कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी करके होता है, इसको ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ओवर द काउंटर, मतलब दो पार्टीज आपस में अपने हिसाब से टेन्योर, अंडरलाइंग, साइज वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। फ्यूचर की तरह डिफाइंड अंडरलाइंग, डिफाइंड साइज, डिफाइंड टेन्योर वगैरह नहीं होता। तो इसको देखते हैं किस तरीके से अपना इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर ए बॉट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, US$1,00,000, US$1,00,000। तो यहां पर जो अंडरलाइंग हो गया, यहां पर अंडरलाइंग आइटम क्या है, फॉरेन करेंसी, दैट इज डॉलर। ऑन 1 दिसंबर एट $1 बराबर 47.1, ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट की डेट होगी 1 दिसंबर। ठीक है, अच्छा, फिक्स्ड एट 47.1, वी कैन से इट इज स्ट्राइक प्राइस। ठीक है,
अगर कुछ नहीं दिया है तो हम मानेंगे दिस इज लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज $1 बराबर 47.02, ये जो है 47.1 स्ट्राइक प्राइस, और इसको हम फॉरवर्ड रेट भी बोलते हैं। जब मैं आपको हेजिंग पढ़ाऊंगा ना तो ये चीज को मैं फॉरवर्ड रेट बोलूंगा। अब 47.02 क्या है? 47.02 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट डेट का प्राइस है। मतलब मैंने प्राइस फिक्स किया 47.1 पे। मतलब देखिए, मैं मान लीजिए एक कस्टमर 1 दिसंबर को जाता है बैंक के पास, जिस दिन एक्सचेंज रेट है 47.02, इसको बोलते हैं स्पॉट। तो स्पॉट रेट दिया हुआ है 47.02, ये किसके पास जाता है? बैंक के पास। बैंक के पास बोलता है कि मुझे जाके भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो बैंक ने उसको बोला ठीक है, 47.1 का एक ऐसा एक 47.1 का एक प्रोडक्ट है। कितने महीने का? 3 मंथ्स का। एक 3 महीने का प्रोडक्ट है जिसका अभी प्राइस चल रहा है 47.1। दैट मींस अगर तुम 3 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो तो स्ट्राइक प्राइस 47.1 है। अगर तुम लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो 47.1 से ऊपर जितना भी जाएगा उसमें तुम्हें गेन होगा। तो ये जो कस्टमर है इसको स्पॉट रेट से कोई मतलब नहीं होगा, इसको फॉरवर्ड रेट से देखना है कि भाई ये जो रेट है इस रेट के अगर ऊपर बढ़ती है चीजें तो मुझे गेन होगा, इस रेट से ऊपर नीचे होती है तो मुझे लॉस होगा। तो हमें स्पॉट रेट से वैसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ऑन 31 दिसंबर व्हेन ही क्लोज्ड हिज बुक्स। अच्छा, बुक्स क्लोज कब होती है? 31 दिसंबर को, मतलब बैलेंस शीट डेट 31 दिसंबर। ही क्लोज्ड हिज बुक्स, द एक्सचेंज रेट वॉज 47.15। उस दिन एक्सचेंज रेट हो गया 47.15, 47.15। फिर 31 जनवरी, 2 महीने हो गए, ही डिसाइडेड टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट। वो बीच में एग्जिट कर रहा है, 31 जनवरी को एग्जिट कर रहा है, दैट इज सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिट दैट इज सेटलमेंट। वो बीच में से ही जा रहा है, वो बोल रहा है नहीं यार रहने दो, बस हो गया। कितने में एग्जिट कर रहा है? 47 एट 47.18। मतलब उसने दाव लगाया था जब, तो 47.1 के ऊपर दाव लगाया था, बढ़ने का सोच रहा था। बैलेंस शीट डेट तक कुछ पैसे बढ़ा भी, सेटलमेंट डेट तक और बढ़ गया, बट वो बीच में ही बेच रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे 3 महीने का है। कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का है? 3 महीने का। कहां लिखा हुआ है? बॉट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, बट वो जनवरी में ही सेल कर रहा है, सेटल कर रहा है। शायद उसको लग रहा होगा कि अब डॉलर के रेट नहीं बढ़ेंगे। तो 47.1 से लेकर 47.18 तक चीजें गई हैं। शो द प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स। अब इसको देखते हैं अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी। अज्यूमिंग फिजिकल डिलीवरी इज नॉट इन्वॉल्व, हम ये मान के चल रहे हैं कि फिजिकल डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना? फिजिकल डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं है। इज इट क्लियर गाइस? ओके, फिजिकल डिलीवरी नहीं है तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट डेट दैट इज 1 दिसंबर को कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ऑब्वियसली बनी बनाई बात है, मैंने कौन से को $1,00,000 खरीद लिए। अच्छा, यहां पर यूनिट साइज $1,00,000, ठीक है। फिर बैलेंस शीट डेट दैट इज 31 दिसंबर,
जहां अकाउंटिंग होगा, अकाउंटिंग होगा कैसे, अकाउंटिंग होगा अकाउंटिंग एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू। सो गाइस 31 दिसंबर को रेट हो गया 47.15, जबकि मैंने 47.1 पे बुक किया था, तो 47.1 से 47.15 हो गया, तो इसका फेयर वैल्यू क्या हो गया, 47.15 माइनस 47.1 दैट इज 0.05 फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, तो यहां बोलूंगा फॉरवर्ड डेरिवेटिव, फॉरवर्ड रिसीवेबल, फाइनेंशियल असेट, अकाउंट डेबिट, फेयर वैल्यू गेन, पी एंड एल, $1,00,000 इंटू 0.05, मतलब 5% एक तरीके से 5,000 फेयर वैल्यू गेन पी एंड एल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? फिर सेटलमेंट डेट 31 जनवरी, कायदे से तो 3 महीने तक चलाया जा सकता था, पर वो बीच में एग्जिट कर रहा है। 47.18 हो गया, जबकि पिछला बैलेंस शीट का 47.15 तक तो हम रिकॉर्ड कर चुके थे। तो फिर से डेरिवेटिव फॉरवर्ड्स रिसीवेबल फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, 3,000 आया समझ में? क्लियर? तीन पैसे का और मिल गया। अब ओवरऑल हमें पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फॉरवर्ड्स रिसीवेबल। आठ हजार ठीक है, और ये चीज चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगेन। इस तरीके से ये फॉरवर्ड की अकाउंटिंग हो गई। सो बेटा फॉरवर्ड्स हो फ्यूचर्स हो, बहुत आसान अकाउंटिंग है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी फॉरवर्ड्स में फ्यूचर्स में। अगर यहीं पे 47.1 से 47.15 ना होकर कम हो जाता रेट, तो ऑब्वियसली यहां पर रिसीवेबल की जगह लाइबिलिटी दिखती पेबल, फाइनेंशियल लाइबिलिटी दिखता पेबल और फेयर वैल्यू लॉस दिखता, बस यही अंतर आ जाता। मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड्स में और फ्यूचर्स में एक कॉमन बात यह है कि बढ़ने पर मतलब आपके फेवरेबल कंडीशन भी हो सकती है, आपकी अनफेवरेबल कंडीशन भी हो सकती है। मतलब ये आप लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में खेल रहे हो, बढ़ेगा 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 गेन, घटेगा तो लॉस भी। ठीक है, आप शॉर्ट में खेल रहे हो तो घटेगा 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 लॉस, बढ़ेगा 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 गेन, सॉरी घटेगा 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 गेन, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा तो लॉस भी होता जाएगा। मतलब दोनों के रास्ते खुले हुए हैं, दोनों के दरवाजे खुले हुए हैं, उधर लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो सकता है। बीच में आप चाहो तो कभी भी सेटल कर लो, आपको बाहर निकल रहा है कॉन्ट्रैक्ट से तो आप सेटलमेंट कर सकते हो। मैंने ऐसा क्यों बोला कि बढ़ेगा 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 गिरेगा गिरेगा गिरेगा, दोनों केसेस में आपको लॉस प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऑप्शन में, ऑप्शन, अब हम बात कर रहे हैं शुरू ऑप्शंस की, ऑप्शंस ऑप्शंस, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस की। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त चीज है और मुझे फेवरेट लगता है ऑप्शन, मुझे फ्यूचर से बहुत ज्यादा ऑप्शन अच्छा लगता है। ऑल्दो नुकसान होता है, बट यहां पर नुकसान सिर्फ लिमिटेड होता है बेटा, बस याद रखिएगा। जैसे फ्यूचर में नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, ऑप्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक समझ समझ लो कि अगर तुम्हें नुकसान हुआ तो
तो एक लिमिटेड नुकसान होगा, जबकि तुम प्रॉफिट अनलिमिटेड कमा सकते हो। प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, पर तुम्हारा लॉस लिमिटेड होगा। ऐसा ऑप्शंस में होता है। ये ऑप्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, हम अब उनकी चर्चा करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑप्शंस की। ऑप्शन में दो पोजीशन होती है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ऑप्शंस में जैसे फ्यूचर्स में दो पोजीशंस होती हैं, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन में क्या था, प्राइस विल राइज। अब ये लॉन्ग पोजीशन में पैसा कब लगाया जाएगा, जब हमें पता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम लॉन्ग पोजीशन में पैसा लगाएंगे। और अगर हमें पता है कि पैसा कम होने वाला है, मतलब प्राइस गिरने वाला है, तो हम शॉर्ट पोजीशन में पैसा लगाएंगे। उसी की तरह सेम टू सेम ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन में हमें पता रहेगा कि प्राइस बढ़ने वाला है, कॉल ऑप्शन, प्राइस बढ़ने वाला है तो हम पैसा लगाएंगे। पुट ऑप्शन, प्राइस गिरने वाला है तो हम पैसा लगाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं? सो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन भी लॉन्ग और शॉर्ट की तरह होते हैं, बट फ्यूचर्स की तरह ऑप्शन में ये नहीं है कि आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। ऑप्शन के केस में क्या होता है, इन्वेस्टर को जो पैसा लगाना चाह रहा है, इन्वेस्टर को एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। इन्वेस्टर को एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। किसको सर, उस व्यक्ति को जो व्यक्ति ऑप्शन दे रहा है। कई सारी कंपनीज अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। आपने इंडिया बुल्स का नाम सुना होगा, उसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकते हैं। कई सारे लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स पर अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो वो जो कंपनीज हैं उनको बोला जाएगा ऑप्शन राइटर, मतलब वो ऑप्शन बना के बेच रही हैं। और जो पब्लिक है, जो पैसा लगाती है, वो होगी ऑप्शन होल्डर। दो लोग होंगे, ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन राइटर। ऑप्शन होल्डर को हमेशा प्रीमियम पे करना पड़ता है, ऑप्शन राइटर को हमेशा प्रीमियम मिलता है। ऑप्शन राइटर हमेशा प्रीमियम रिसीव करता है और ऑप्शन होल्डर ऑलवेज प्रीमियम पे करता है। इसको हम बोर्ड पे समझते हैं अच्छे से। ऑप्शंस, दो पार्टीज, राइटर और होल्डर। आपको याद है अपन ने ईसॉप पढ़ा हुआ है, शेयर बेस्ड पेमेंट। ईसॉप में दो पार्टीज होती हैं, एक होती है कंपनी, एक होते हैं एम्प्लॉयज। कंपनी एम्प्लॉयज को क्या देती है, ऑप्शन टू बाय शेयर एट 50 रुपया। ये ऑप्शन कौन दे रहा है, कंपनी। तो मैं कंपनी को क्या बोलूंगा, राइटर। कंपनी ने ये ऑप्शन बनाया। और एम्प्लॉय को क्या बोलूंगा, होल्डर। अब ये एम्प्लॉय जो है ऑप्शन लेने के लिए, ये ऑप्शन को अवेल करने के लिए एम्प्लॉय को क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉय को सर्विस देना पड़ता है, एम्प्लॉय को कुछ परफॉर्मेंस करना पड़ता है। तो मतलब एम्प्लॉय को कुछ देना पड़ रहा है ना, वैसे यहां पर होल्डर ऑलवेज पेज प्रीमियम टू परचेज ऑप्शन। ऑप्शन खरीदने के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे यहां पर इंप्लॉय को ऑप्शन अवेल करने के लिए कंपनी को सर्विस देना पड़ता है, इंप्लॉय नीड्स टू प्रोवाइड सर्विस टू द कंपनी, वैसे ही होल्डर नीड्स टू पे प्रीमियम टू द राइटर। आई बात समझ में कि नहीं? उसके बाद एंड में क्या होता है, जब जितना मार्केट प्राइस होगा, जैसे मान लीजिए मार्केट प्राइस 60 का हो गया, तो इंप्लॉय बोलता है हाँ यार अच्छी बात है यार, मुझे तो 50 रुपए पे शेयर मिल रहा है, और अच्छी बात है।
पर अगर मार्केट में प्राइस 45 का चल रहा है तो क्या यही इंप्लॉय 50 रुपए का शेयर खरीदना पसंद करेगा? नहीं करेगा। ये इंप्लॉय बोलेगा कंपनी को, भाई तुम मुझे 50 का दे रहे हो, मार्केट में 45 का मिल रहा है। कंपनी बोलेगी ठीक है, मार्केट से जाके परचेस करो। तो इंप्लॉय ये नहीं कह सकता कि भैया मेरी सर्विस, मेरा पैसा वापस करो, क्योंकि इंप्लॉय ने अपनी सर्विस दे दी। अब वो तो इंप्लॉय की बेचारे की किस्मत खराब है कि प्राइस मार्केट में और कम हो गया, तो इसलिए इंप्लॉय इस ऑप्शन को अवेल नहीं कर पाएगा। वैसे यहां पर होल्डर ने जो प्रीमियम एक बार पे कर दिया, दैट इज नॉट रिफंडेबल, दैट इज नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल। वो उसका रिफंडेबल नहीं है, मतलब एक बार प्रीमियम पे हो गया मतलब हो गया। अब बस उसके ऊपर है कि ये प्रीमियम कैसे रिकवर करना है। अगर फायदा हुआ उसको तो प्रीमियम की रिकवरी फायदे के रूप में हो जाएगी, और अगर नुकसान हो, मतलब अगर मान लीजिए वो ऑप्शन से उसको कुछ फायदा नहीं हुआ, तो उसका जो प्रीमियम गया सो गया। ठीक है राइटर? ऑलवेज गेट्स प्रीमियम। आई बात समझ में कि नहीं? अब क्या होगा, सुनो ध्यान से। इनिशियली राइटर शेल रिकॉर्ड दिस प्रीमियम एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी। जब राइटर को ये प्रीमियम मिलेगा ना, तो राइटर इसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान लेगा कि मुझे पैसा एडवांस में मिल गया। सर आपने तो बोला कि ये नॉन रिफंडेबल है। हाँ जी, ये नॉन रिफंडेबल है, बट ये जानता है कि अगर आगे चल के होल्डर जीतने लगा तो मुझे उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो प्रीमियम मैंने लिया है, इतना सारा मैंने प्रीमियम इकट्ठा किया है, पेमेंट जो करूंगा तो मेरी ये लायबिलिटी हुई ना, मैं प्रीमियम में से ही वापस करूंगा। बारे बात आ रही समझ में कि नहीं? वैसे ही ये क्या करेगा, इनिशियली होल्डर शैल रिकॉर्ड प्रीमियम एज फाइनेंशियल असेट। वो रिकॉर्ड करेगा फाइनेंशियल असेट की तरह। आपको याद होगा शेयर बेस्ड पेमेंट में हमने एक एस आर करके कॉन्सेप्ट पढ़ा था, शेयर एप्रिसिएशन राइट। और अगर हमने नहीं, मतलब आपने मुझसे नहीं पढ़ा होगा, तो भी आपको एफ आर में ये टॉपिक याद होगा, SAR स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। कंपनी बोलती है एम्प्लॉय को कि भाई शेयर का हम एक्सरसाइज प्राइस तय कर लेते हैं, लेट अस से 60। कुछ साल बाद एक्सरसाइज पीरियड जब आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस वक्त जो भी मार्केट प्राइस रहेगा, उस वक्त जो भी मार्केट प्राइस रहेगा, अगर 60 से ऊपर हुआ, 65, 70, 75, 100, तो जितना भी ऊपर होगा हम वो तुम्हें कैश में पे करेंगे। ये वो किसको बोल रही है, एम्प्लॉय को। आप मान लो कि एम्प्लॉय है होल्डर, कंपनी है राइटर, पर कंपनी बोलती है कि हम ये ऑप्शन तुम्हें तभी देंगे जब तुम हमारे पास 3 साल तक काम करोगे, और 3 साल बाद की मार्केट प्राइस देखी जाएगी। अब मार्केट प्राइस अगर 65 हो जाए तो हम तुम्हें 5 रुपए पे कर देंगे, तो मान लेना कि जो तुम्हें तुमने हमें सर्विस दी थी वो ये 5 रुपए के हिसाब से दी थी। अगर तुम्हें, अगर प्राइस 70 हो जाए तो हम तुम्हें 10 रुपए देंगे, अगर प्राइस 75 हो जाए तो हम तुम्हें 15 रुपए देंगे। मतलब कंपेयर किससे किया जाता है, इस एक्सरसाइज प्राइस से। तो बेटा वैसे ही ऑप्शन में एक स्ट्राइक प्राइस होता है, जिसको एक्सरसाइज प्राइस कहा जाता है। क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। और यहां पर कंपनी एम्प्लॉय को क्या देगी, कैश, ना कि वो शेयर के फॉर्म में डिलीवरी करेगी।
मतलब अगर वो कैश दे रही है तो बिना फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर के कर रही है, तो ये भी एक तरीके से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट क्योंकि इसका गाइडेंस नोट और इंडियस 102 सेपरेटली बताया गया है, तो इसकी अकाउंटिंग हम यहां डिस्कस नहीं करते, बट मोर और लेस एसएआर इज एज गुड एज एन ऑप्शन, बिकॉज एम्प्लॉय को एक ऑप्शन दिया गया है, तुम चाहो तो कंपनी में 3 साल काम करके हमसे ये शेयर के वैल्यू के बराबर का जो भी इंक्रीज वैल्यू होगा वो कैश में प्राप्त कर सकते हो, बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कंपनी में काम करना पड़ेगा। आपको पता है एम्प्लॉय ने कौन सा ऑप्शन अवेल किया? एम्प्लॉय ने कॉल ऑप्शन अवेल किया। कॉल ऑप्शन में मतलब क्या होता है, कॉल में प्राइस बढ़ने का एम्प्लॉय सोच रहा है। डेफिनेटली एम्प्लॉय ये प्रार्थना करता होगा भगवान से कि बस प्राइस बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, कॉल ऑप्शन। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? सो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का रेलेवेंस कैसे होगा उसको थोड़ा सा और समझते हैं। ऑप्शन, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, समझना ध्यान से। कॉल ऑप्शन, आई डोंट हैव इक्विटी शेयर, आई नो दैट इट्स प्राइस विल राइज आफ्टर 1 मंथ, इट्स प्राइस विल राइज आफ्टर 1 मंथ, आई डोंट हैव इक्विटी शेयर, आई नो दैट इट्स प्राइस विल राइज आफ्टर 1 मंथ, आई मे परचेज कॉल ऑप्शन। मैं क्या परचेज कर सकता हूं? कॉल ऑप्शन परचेज कर सकता हूं। उसमें क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस तय की जाएगी, लेट अस से 100। अगर फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब आफ्टर 1 मंथ, प्राइस हो जाएगी 105 रुपए, मैंने ना 100 रुपए लगाए ना मुझे 105 मिलेंगे, मुझे तो बीच का पैसा मिल जाएगा 5 रुपए। आई बात समझ में कि नहीं? पुट ऑप्शन इसका उल्टा, आई डोंट हैव शेयर बट आई नो दैट मार्केट मे फॉल, मुझे पता है मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा तो शेयर भी गिरेगा, एंड हेंस प्राइस ऑफ शेयर विल फॉल, आई कैन परचेज पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन बेटा, यू कैन से ऑप्शन मीन्स व्हाट? ऑप्शन मीन्स राइट। ऑप्शन में का मतलब होता है अधिकार, तो कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय, और पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल, राइट टू सेल। आई कैन परचेज पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में क्या होगा, अगेन एक स्ट्राइक प्राइस होगी, शेयर का प्राइस होगा 100 रुपए। ऑल दो मेरे पास शेयर रखा नहीं है, पर अगर यही शेयर मेरे पास रखा होता, आज प्राइस कितना है 100 रुपए, फ्यूचर में अगर प्राइस कम हो गया, 90 रुपए हो गया, तो मैं मार्केट में ना जाके बेचकर, अगर मेरे पास शेयर होता, सोचो अगर मेरे पास शेयर होता, मैंने क्या लिखा है, आई डोंट हैव शेयर, बट अगर मेरे पास शेयर होता तो मैं मार्केट में, अगर प्राइस गिर गया है तो मेरा मार्केट में प्राइस कितने, मेरा शेयर कितने में बिकेगा, 90 रुपए में बिकेगा, बट मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब, और कौन सा ऑप्शन है, पुट ऑप्शन, और पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, राइट टू सेल। मेरे पास एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन के तहत मुझे अधिकार है। क्या अधिकार है? मुझे ये अधिकार है कि मैं बेच सकता हूं 100 रुपए में, मैं 100 रुपीज में बेच सकता हूं। मेरे पास जो शेयर रखा है मार्केट में उसकी प्राइस 90 रुपए हो चुकी है, बट मैं उसको बेच सकता हूं 100 रुपए में, तो मतलब, और ये मैं किसको बेच सकता हूं, राइटर को, क्योंकि राइटर ने मुझसे क्या लिया है, ये ऑप्शन देने के लिए प्रीमियम, तो मेरे पास एक अधिकार है, मैं वो बेच सकता हूं शेयर 100 रुपए में, तो मुझे 10 रुपए का फायदा हो जाएगा, बट यहां फिजिकल डिलीवरी तो होगी नहीं, तो ना मेरे पास शेयर है ना मैं बेचूंगा, बट यस ये कॉन्ट्रैक्ट से
मुझे 10 रुपए का फायदा हो जाएगा, ना 90 रुपए में मैंने खरीदा था, ना 90 रुपए में बेचूंगा, ना मैं 100 रुपए में बेचूंगा, बस मुझे बीच का फायदा हो जाएगा विदाउट एनी फिजिकल डिलीवरी। आप यूं समझो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस मोबाइल, मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है ना, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। अब ये मोबाइल का प्राइस, ये मोबाइल का प्राइस जो है आज मार्केट में चल रहा है 40,000, ये मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 40,000 रुपीज, ठीक है ना। मैंने अपने दोस्त के पास गया, मैं अपने दोस्त के पास गया, मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि ये मार्केट में देखो आज 40,000 रुपीज का प्राइस चल रहा है। मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि मैं तेरे को एक ऑप्शन दे रहा हूं, तू ये फोन 2 महीने बाद मुझे बेच देना, तू ये फोन मुझे 2 महीने बाद बेच देना 40,000 रुपए का। कितने का बेच देना? 40,000 रुपए का बेच देना। अब बताओ कि मैं ये फोन अपने फ्रेंड को 40,000 रुपए में कब बेचूंगा? ऑब्वियसली मैं तब बेचूंगा जब इस फोन की मार्केट में प्राइस 40,000 से गिर गई होगी। और मुझे पता है कि अगर मैं मार्केट में जाके बेचूंगा और मैं वाकई में ये फोन बेचना चाहता हूं, मेरे काम का ये फोन नहीं है, मैं तो बेचना चाह रहा हूं, ये फोन मेरे फ्रेंड के काम का है, उस फ्रेंड ने मुझे एक ऑप्शन दिया है कि मैं तेरे को एक ऑप्शन दे रहा हूं, 2 महीने तक तू मुझे ये मतलब 2 महीने तक का ऑप्शन है, तू मुझे ये फोन 40,000 में बेच सकता है। अगर मार्केट में प्राइस गिर जाए तो तू मुझे बेच देना, बढ़ जाए तो तू मार्केट में बेच देना। मैंने वेट किया 2 महीने तक का, 2 महीने बाद मार्केट में प्राइस इसका मैंने फिर से सर्च किया, मुझे तो इसको फोन को निकालना है, मैंने फोन का मार्केट प्राइस सर्च किया और मुझे कोई दूसरा दुकानदार इसके 45,000 देने को तैयार है, 45,000 इसके देने को तैयार है। बताओ मैं अपने फ्रेंड को बेचूंगा कि मैं किसी शॉपकीपर को बेचूंगा? मैं उस शॉपकीपर को बेचूंगा, मतलब वो ऑप्शन मैंने अवेल नहीं किया, बट ये मेरे पास ऑप्शन था। आई हैव अ राइट टू सेल दिस मोबाइल फोन टू माई फ्रेंड, तो राइट टू सेल को बोलेंगे पुट ऑप्शन। यहीं पे मार्केट में इसका प्राइस हो गया 30,000 रुपए, पर मेरे दोस्त ने मुझे ये ऑप्शन दिया था 40,000 में खरीदने का, मेरे दोस्त ने मुझे ये ऑप्शन दिया था 40,000 में खरीदने का, तो मैंने जाके उसको बेच दिया 40,000 में। आई बात समझ में कि नहीं? मेरे दोस्त को मैंने ये 40,000 में जाके बेच दिया क्योंकि मेरे पास अधिकार था, आई हैव राइट टू सेल दिस फोन एट 40,000 रुपीज। बात समझ में आई कि नहीं? अब आपको मन में आएगा कि सर आपका फोन नहीं, आपका दोस्त पगला है क्या, कि मतलब वो कह रहा है कि भाई तू मुझे 2 महीने तक 40,000 में बेच सकता है, अगर मार्केट में प्राइस गिर भी जाएगा तो मैं तेरे से 40,000 में खरीदूंगा। सर वो पागल है क्या? मतलब मैं राइटर की बात कर रहा हूं, मेरा दोस्त मतलब यहां पर राइटर, राइटर जो ये इतने सारे ऑप्शन बेचता रहता है, कॉल ऑप्शन, तुम चाहो तो खरीद लेना, तुम चाहो तो परचेज कर लेना, सर ये क्या पागल है क्या? नहीं बेटा, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये इंडिया बुल्स है, ये मान लो ये रिलायंस है, ये कोटक है, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी वाला बंदा है, और ये ऑप्शन बेचने के लिए हमसे क्या ले रहा है? प्रीमियम ले रहा है। बात को समझिए, बहुत सारे मार्केट में बेवकूफ लोग बैठे हैं, इसको पता है, बहुत सारे बेवकूफ लोग बैठे हैं और बहुत सारे समझदार लोग भी बैठे हैं, बट सारे लोग समझदार नहीं हो सकते और सारे लोग बेवकूफ नहीं हो सकते। डेफिनेटली दो व्यक्ति अगर हैं तो उनमें से एक व्यक्ति समझदार निकलेगा और एक बेवकूफ निकलेगा, और मैं दोनों से प्रीमियम ले रहा हूं और मुझे पे सिर्फ किसी एक को करना है, जो समझदार होगा जो जीत जाएगा, और जो हार जाएगा वो गया बेचारा। आपको इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के मैं बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी इश्यू करती है इंश्योरर को, और पॉलिसी इश्यू करने के बदले क्या लेती है? प्रीमियम। और वो क्या बोलती है? अगर तुम्हें कुछ भी हो गया, तुम्हारी जान को अगर कुछ भी हो गया, या फिर जान मतलब उसकी खुद की जान, ठीक है ना, जान मतलब समझ रहा हो कि जान मतलब कौन सी जान, तो उसकी अगर मृत्यु हो गई, या फिर अगर तुम्हारी कोई किसी जैसे मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, जनरल इंश्योरेंस है, अगर तुम्हारे कुछ हेल्थ को कुछ हो गया या तुम्हारी गाड़ी को कुछ हो गया तो हम उसकी भरपाई करेंगे। अब आप बोलोगे सर इंश्योरेंस कंपनी पागल हो गई है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर आप बचपन से देखते आए हो कि इंश्योरेंस कंपनी कितना सारा प्रीमियम ले लेती है, और हर बार थोड़ी कुछ होता है।
भाई ऐसा थोड़ी होता है, मैंने अगर गाड़ी का इंश्योरेंस हर साल करवाया तो हर साल मेरी गाड़ी को कुछ ना कुछ होगा ही होगा, मेरी हेल्थ को कुछ होगा ही होगा, बट फिर भी हम इंश्योरेंस करवा के रखते हैं क्योंकि हमें कल का भरोसा नहीं है, हो सकता है दिक्कत ना हो जाए। तो इंश्योरेंस भी एक तरीके से क्या है, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। वहां पर इंश्योरेंस कंपनी एक राइटर है जो कि एक ऑप्शन दे रही है कि अगर तुम्हें कल को कुछ हो गया तो हम बैठे हैं, हम क्लेम तुम्हें देंगे, तुम्हारी गाड़ी के लिए क्लेम देंगे, तुम्हारी लाइफ का क्लेम देंगे, पर उसके लिए तुम्हें हमें क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम। तो सोचो बेटा, इंश्योरेंस कंपनी इतना सारा प्रीमियम इकट्ठा करती है, वैसे यहां पर ऑप्शन में राइटर जो है इतना सारा प्रीमियम इकट्ठा करता है। यहां पर जैसे वो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम इकट्ठा करती तो उसके लिए वो इनकम होती है, पर उसको पता रहता है कि हमें आगे चल के क्लेम देना पड़ेगा, तो वो एक सफिशियंट लाइबिलिटी क्रिएट करके चलती है, एक फंड मेंटेन करके चलती है कि हाँ भाई वो जो प्रीमियम मिला है उसी में से हमें भरपाई करनी पड़ेगी। तो वैसे यहां पर भी प्रीमियम को क्या माना जाएगा, लाइबिलिटी। और वैसे ही ये जो होल्डर है, ये होल्डर ने जो प्रीमियम दे दिया वो इसको इनिशियली एक्सपेंस बुक नहीं करेगा, वो बोलेगा यार मैंने प्रीमियम दे दिया, मेरा उद्देश्य है कि अगर मेरे को गेन हो गया तो मेरा ये प्रीमियम रिकवर हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं, अगर मुझे गेन हो गया तो मेरा ये प्रीमियम रिकवर हो जाए। तो ये प्रीमियम को रिकवर करने के लिए फिलहाल उसको वो क्या बनाता है, फाइनेंशियल असेट। अगर नहीं रिकवर हो पाया एंड तक तो वो फाइनेंशियल असेट को राइट ऑफ करके एक्सपेंस बुक कर लेता है। आई बात समझ में आपको? कॉल ऑप्शन राइट टू बाय, पुट ऑप्शन राइट टू सेल। इज इट क्लियर गाइस? ऑप्शन कहां कहां चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स के ऊपर ऑप्शन चलते हैं, कमोडिटीज के ऊपर ऑप्शन चलते हैं, निफ्टी के ऊपर ऑप्शन चलते हैं, निफ्टी के अलग अलग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कई सारी चीजों, कई सारी अंडरलाइंग आइटम्स पे चलाए जा सकते हैं। हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल देखते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, आपको बहुत मजा आएगा वो एग्जाम्पल क्लियर करने में, लिटरली मैं बोल रहा हूं आपको बहुत मजा आएगा, मैंने वो एग्जाम्पल खुद बनाया है, और उसके बाद आपको समझ में आएगी ऑप्शन की अकाउंटिंग की हमें ऑप्शन की अकाउंटिंग राइटर के केस में और होल्डर के केस में किस तरीके से करना चाहिए। तो बेटा आ जाइए सबसे पहले पेज नंबर 17 पे आ जाइए, पेज नंबर 17 में आ जाइए, और 17 नंबर पेज पे ऑप्शन के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ऑप्शन के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ऑप्शंस इंटर्ड इनटू विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज, डिफाइंड अंडरलाइंस, टेन्योर, डिफाइंड साइज। दो लोग होते हैं, बायर ऑफ ऑप्शंस मतलब होल्डर और सेलर ऑफ ऑप्शन मतलब राइटर। बायर ऑफ ऑप्शन कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीदता है, वो सिर्फ खरीदता है इसलिए लॉन्ग लिखा है, और सेलर ऑफ ऑप्शन सेलर वो बेचता है इसलिए शॉर्ट लिखा है, शॉर्ट कॉल ऑप्शन, शॉर्ट पुट ऑप्शन। होल्डर के पास हमेशा क्या होगा, राइट। तो राइटर के पास हमेशा क्या होगा, ऑब्लिगेशन। अगर होल्डर ने अपना राइट अवेल करना चाहा, जैसे यहां पर बात कर रहे थे कि कॉल ऑप्शन है 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, अगर प्राइस बढ़ गया तो वो अपना राइट अवेल कर लेगा और वो 5 रुपए राइटर से मांगेगा, तो राइटर बेटा डिनाई नहीं कर सकता कि मैं 5 रुपए नहीं दूंगा, इसलिए राइटर की क्या होती है, हमेशा लायबिलिटी, ठीक ना, ऑब्लिगेशन होती है। यहां पर 100 रुपए का आज प्राइस चल रहा है, मैंने आपको एक ऑप्शन दिया कि तुम चाहो तो मुझे 2 रुपए दे दो, 2 रुपए का प्रीमियम दे दो, और 1 महीने के बाद अगर ये शेयर का प्राइस जितना भी बढ़ जाए, 100 के ऊपर 10 रुपए बढ़ जाए, 20 रुपए बढ़ जाए, 30 रुपए बढ़ जाए, मैं पूरा प्राइस तुम्हें दूंगा जितना भी बढ़ा हुआ प्राइस होगा, बट उसके लिए मैं तुमसे आज कितना ले रहा हूं, 2 रुपए। तो राइटर ने 2 रुपए ले लिए, बाद में ये वैल्यू कितनी हो गई, 105 रुपए, 105 रुपए हो गई। तो 100 रुपए से 105 रुपए तक वैल्यू हो गई, तो अब राइटर को 5 रुपए रीइंबर्स करने पड़ेंगे क्योंकि उसने वादा किया था, उसकी ऑब्लिगेशन थी। तो बताओ 2 रुपए लेकर 5 रुपए रीइंबर्स किए तो राइटर को कितना नुकसान, 3 रुपए का। वैसे यहां पर उसने 2 रुपए लेकर, सॉरी देकर 5 रुपए रिसीव किए तो इसको 3 रुपए का फायदा। पर अगर यहीं पर शेयर की प्राइस 100 रुपए से नीचे गिर जाती तो क्या होता, 100 रुपए से नीचे गिर जाती तो क्या होता, इसको कुछ भी नहीं पे करना पड़ता, इसको जो प्रीमियम मिला वो उसकी इनकम, इसको कुछ भी रिकवर नहीं होता, इसने जो प्रीमियम दिया उसके लिए वो एक्सपेंस। आई बात समझ में? तो एक दाव है बेटा, एक शर्त लगाई जा रही है, बात समझ में आ रही कि नहीं? सट्टा भी इस तरीके से लगता है, क्रिकेट के ऊपर सट्टा वगैरह इस तरीके से लगता है।
ओरिजिनली जो सट्टे लगते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं बुकी, जो सट्टे लगवाते हैं, या आपने देखा होगा बॉक्सिंग का मैच चलता है, आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा बॉक्सिंग का मैच चलता है और बहुत सारी भीड़ होती है और बहुत सारे पैसे लोग अपने हाथ में पैसे लेके खड़े होते हैं और वो बोलते हैं इतना मेरा, इतना मेरा, इतना मेरा, इतना मेरा, इतना लगा रहे, मेरा इतना लगा ले। आप हॉर्स रेस देखते हो, वहां पर लोग पैसा लगाते हैं, दाव लगाते हैं और वो पहले पैसे जमा करते हैं, वो सब क्या है? वो भी तो एक डेरिवेटिव है बेटा। हॉर्स रेस में जो घोड़ा घोड़ा जो दौड़ रहा है वो क्या है? वो एक अंडरलाइंग है, उसके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है और पहले मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैंने पहले पेमेंट किया तो वो हो गया प्रीमियम, अब वो पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं जीत गया तो जो भी प्राइज मनी होगा, जो भी प्राइज मनी होगा वो मुझे मिल जाएगा, तो अपने आप मेरा प्रीमियम रिकवर हो जाएगा। पर अगर मैं हार गया तो मेरे को प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो जो और जो बुकी है, जो ये करवा रहा है रेस वगैरह, जो ये बॉक्सिंग का मैच करवा रहा है, जो रेस करवा रहा है, वो क्या कलेक्ट कर रहा है? वो आप सबसे प्रीमियम कलेक्ट कर रहा है और उसको पता है कि तुम सब में से कुछ बेवकूफ बैठे हैं और कुछ अच्छे लोग बैठे हैं, मतलब कुछ समझदार लोग बैठे हैं, और मैं प्रीमियम तो सबसे ले रहा हूं, बस जो प्राइज मनी है वो कुछ ही समझदार लोगों को मिलेगा, बाकी सब बेवकूफ बन के अपने अपने घर चले जाएंगे, मुझे मेरा प्रीमियम मिल जाएगा, उस प्रीमियम में से मैं प्राइज मनी बांट दूंगा, बाकी मेरा गेन हो जाएगा। तो बेटा राइटर ही और शी इज नॉट बेवकूफ, वो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है और वो सबसे प्रीमियम ले रहा है। मुझे लगता है आप पूरी तरीके से समझ चुके हो कि अब हम क्या बात कर रहे हैं। इसको जो प्रीमियम मिलेगा वो इनिशियली प्रीमियम को इनकम अपना करके लाइबिलिटी बनाएगा, जब सेटलमेंट हो जाता है तो ये चेक करता है कि भैया अब क्या हुआ, मुझे देना पड़ेगा कि मुझे नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा तो इनकम, देना पड़ेगा तो लाइबिलिटी तो बनाई दी थी, वैसे ही इस केस में। ओके, वेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा? वेन द मार्केट प्राइस इज हायर। ऑब्वियसली देखो मार्केट में प्राइस क्या हो गया, 105, जबकि मैंने ऑप्शन कितने पे रखा था, 100 रुपए पे। मार्केट में प्राइस बढ़ गया तो ऑप्शन को अवेल किया जाएगा। यहां पर पुट ऑप्शन, वेन टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, जब मार्केट का प्राइस लोअर हो जाए, जब मार्केट का प्राइस लोअर हो जाए। आप मेरे मोबाइल फोन का याद रखो, ध्यान रखो, मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि अगर मार्केट में प्राइस कितना भी हो गया मैं तेरे से 40,000 में खरीदूंगा, मार्केट में प्राइस कम हो गया तो मैंने उसको बोला हाँ भाई तू मुझसे 40,000 में खरीद ले। तो वेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, जब मार्केट में प्राइस कम हो गया और मैंने उसको बोल दिया, तो ये पुट ऑप्शन हो गया। आई बात समझ में? अकाउंटिंग हमें दोनों की समझनी है, बायर और मतलब बायर और राइटर, होल्डर और राइटर की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? बायर, सबसे पहले बायर, टू गेट कॉल और पुट ऑप्शन आई नीड टू पे ऑप्शन प्रीमियम। बायर क्या बोलेगा? मुझे ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ेगा। दिस प्रीमियम इज नॉन रिफंडेबल, अमाउंट ऑफ प्रीमियम विल बी बुक्ड एज फाइनेंशियल असेट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, शुरुआती में मैं क्या करूंगा, इनिशियली आई विल बुक दिस प्रीमियम एज एन असेट। अगर मेरा पैसा डूब जाएगा तो मैं मान लूंगा कि मेरी असेट खत्म, इसलिए उसको एक्सपेंस बुक कर लूंगा, मतलब लॉस बना लूंगा, नहीं तो फिर रिकवर हो जाएगा तो गेन हो जाएगा। आगे, अब बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करने पर हैं हम, तो ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सपोज आई बॉट निफ्टी, आई बॉट निफ्टी। सर निफ्टी परचेज कर लिया? हाँ, निफ्टी कोई परचेज थोड़ी कर सकता है, निफ्टी की कोई थोड़ी डिलीवरी हो सकती है, निफ्टी तो एक अंडरलाइंग है, निफ्टी के ऊपर दाव लगाया जा रहा है। तो सपोज आई बॉट निफ्टी 1 month कॉल ऑप्शन, धीरे धीरे पढ़ते हैं, आई बॉट निफ्टी 1 month कॉल ऑप्शन, निफ्टी 1 month कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का मतलब हुआ राइट टू परचेज, राइट टू परचेज। अब मैं कोई चीज आपसे कब परचेज करूंगा, जब मार्केट में प्राइस महंगा होगा और आपसे मुझे सस्ता मिल रहा होगा। आप कौन? आप एक राइटर हो, आपने मुझे एक ऑप्शन दिया कि मैं आपसे खरीद सकता हूं एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। अब मैं वो ऑप्शन तभी अवेल करूंगा जब मार्केट में वो वैल्यू ज्यादा होगी और आपसे मुझे कम पे मिल रहा है। तो आई बॉट निफ्टी 1 month कॉल ऑप्शन ऑन 1,000 लॉट, 1,000 लॉट निफ्टी के 1,000 यूनिट पे लगाया। ना मैं निफ्टी खरीदूंगा सच्ची में, ना मैं खरीद के बेचूंगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, निफ्टी खरीदा भी नहीं जा सकता। एट ए स्ट्राइक प्राइस ऑफ 8215, स्ट्राइक प्राइस 8215, मतलब मुझे कितने में खरीदने का ऑफर है, 8215 पे खरीदने का ऑफर है। अगर 8215 से ऊपर वैल्यू बढ़ी तो मजा आ जाएगा, 8215 से ऊपर वैल्यू बढ़ी तो मजा आ जाएगा। कैसे मजा आ जाएगा?
मुझे 8215 पे ऑफर मिला है, अगर मार्केट में प्राइस हो गया 8215 से ज्यादा तो बीच का पैसा मतलब 8215 से जितना ऊपर बढ़ गया वो मुझे आप रीइंबर्स कर दोगे, क्योंकि मुझे 8215 पर खरीदने का ऑप्शन आपने दिया था। इसको यूं समझ सकते हो कि मुझे मोबाइल 8215 खरीदने का ऑफर दिया है आपने, प्राइस अगर कल 10,000 हो गया तो मैं आपसे 8215 में खरीदूंगा और मार्केट में जाके 10,000 में बेचूंगा, बीच का मुझे हो जाएगा प्रॉफिट। अब यहां पर अगर मुझे फिजिकल डिलीवरी करनी पड़ी तो मैं आपसे 8215 में खरीदूंगा और मार्केट में जाके 10,000 में बेचूंगा, बट यहां पर क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो ना मैं आपसे 8215 में खरीदूंगा ना मार्केट में जाके 10,000 बेचूंगा, मैं आपको ही बोल दूंगा कि यार तुम तो मुझे बीच का वैल्यू दे दो। तो निफ्टी कॉल ऑप्शन 1000 स्ट्राइक प्राइस 8215 एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर यूनिट, पर ये ऑफर मुझे तभी मिल रहा है जब मैं 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पेमेंट करूंगा। सो मैं अगर 10 रुपीज का पेमेंट कर रहा हूं पर यूनिट, तो यूनिट कितने हैं 1000, तो 10,000 रुपए का जब मैं प्रीमियम पे करूंगा तब जाके मुझे ये ऑप्शन मिलेगा। तो बेटा आई एम द होल्डर ऑफ ऑप्शन, आई एम पेइंग प्रीमियम, दिस प्रीमियम इज इनिशियली बुक्ड एज फाइनेंशियल असेट। आई बात समझ में कि नहीं, इनिशियली इट इज बुक्ड एज फाइनेंशियल असेट। सर एंट्री क्या करते हैं होल्डर फाइनेंशियल असेट बुक करने की? अरे भाई जो प्रीमियम पे कर रहा है तो टू बैंक हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट डेबिट, डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट, और ये राइटर क्या बोलेगा, बैंक डेबिट और टू डेरिवेटिव ऑप्शन ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल लाइबिलिटी, बस ठीक है। तो यहां पर बायर क्या बोलेगा, डेरिवेटिव ऑप्शन, डेरिवेटिव ऑप्शन क्या, डेरिवेटिव ऑप्शन फाइनेंशियल असेट हो जाएगा यहां पर 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है बेटा 10 रुपए के हिसाब से। तो डे वन अकाउंटिंग, अगले पेज पर आइए। चलिए मैंने जगह छोड़ी है, अब अपने को एंट्रीज करते जाना है, बुक में ही एंट्री करना है। सबसे पहले डे वन अकाउंटिंग बायर क्या बोलेगा, मैं भी लिखते जा रहा हूं, बुक में ही एक एंट्री करनी है, डे वन अकाउंटिंग डैश करके दिया है तो मतलब आपने को साइड में एंट्री करना है। एंट्री करेंगे डेरिवेटिव ऑप्शन फाइनेंशियल असेट, डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर कितना, 1000 × 10, 10,000, समझ आया कि नहीं, 1000 × 10, 10,000 पे पहले मैंने फाइनेंशियल असेट बुक किया। अब ये क्योंकि कॉल ऑप्शन है, याद रखियो कॉल ऑप्शन है, तो मैं भगवान से क्या प्रार्थना करूंगा, 8215 से ऊपर वैल्यू चली जाए, 8215 से वैल्यू बढ़ जाए, 8215 से वैल्यू बढ़ जाए। और मैंने पे कितना किया है, 8215, सॉरी मैंने पे किया है 10 रुपए, सोचो 8215 से 8220 हो गई तो 5 रुपए का फायदा हो जाएगा, पर उधर से मैंने 10 रुपए पे कर दिए थे। गाइस प्लीज ध्यान से समझे, 8215 से 8220 हो गया, बढ़ तो गया पर सिर्फ 5 रुपए बढ़ा, जबकि उधर मैंने कितने पे किए थे 10 रुपए, फिर भी मैंने 10 रुपए पे किए, 5 रुपए बढ़ा, मैं ये 5 रुपए बढ़ गया है तो ऑप्शन अवेल करूंगा और 5 रुपए मुझे रिकवर हो जाएगा, फिर भी मुझे नेट लॉस ही होगा 5 रुपए का। 8222 हो गया मतलब प्राइस हो गया 8215 से, 8215 है ना प्राइस, मान लो हो गया 8222 और प्राइस कितना था पहले 8215, कितने रुपए बढ़ गया, 7 रुपए बढ़ गया, मुझे 7 रुपए मिलेगा पर वहां मैंने 10 रुपए दिया था, फिर भी मुझे 3 रुपए का नुकसान। 8225 हो गया, 8225 हो गया, अब बताओ मुझे कितना मिलेगा 10, और मैंने पे कितना किया था 10, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां पर ब्रेक इवन पोजिशन कब होगी, ब्रेक इवन पोजीशन होगी जब मुझे प्रीमियम के बराबर का फायदा हो, बात समझ आ रही कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 8225, क्योंकि 8215 तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और अगर बढ़ भी गया और 8225 तक भी बढ़ा तो भी मुझे प्रॉफिट तो नहीं होने वाला, मेरा लॉस रिकवर, मतलब मेरा प्रीमियम रिकवर हो जाएगा।
तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 8225। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, मतलब इसी पे जहां पर हमने अकाउंटिंग एंट्री की थी, डे वन अकाउंटिंग। आफ्टर वन मंथ निफ्टी इज एज फॉलोज। एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट था याद रखना। अब अलग अलग केसेस है बेटा, ये जो पांच केसेस दिए हैं, देखो मैंने सबसे पहले एंट्री किया है, अगर आपको दिख रहा हो मैंने एंट्री किया है, फिर ये पांच डिफरेंट केसेस हैं, पांच इंडिपेंडेंट केसेस हैं। अलग अलग केसेस पे देखते हैं कि क्या क्या होगा। सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स 8100 हो गया। ओ माय गॉड, कॉल ऑप्शन लिया था, प्रार्थना कर रहा था कि बढ़ जाए, जबकि यहां पर गिर गया। प्रार्थना कर रहा था कि बढ़ जाए, जबकि यहां पर गिर गया। बताओ मैं ये ऑप्शन अवेल करूंगा? मुझे ऑप्शन अवेल करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में 8100 हो गया है मार्केट प्राइस, जबकि मुझे कितने का दिया गया था ऑफर? 8215 का। तो मैं ये ऑप्शन अवेल नहीं करूंगा। तो साइड में एक कॉलम है, एक्सरसाइज ऑब्लिक नॉट एक्सरसाइज, तो मैं लिख दूंगा नॉट एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज। मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मुझे नुकसान हो गया, जो मैंने प्रीमियम पे किया था, अब वो प्रीमियम मेरा रिकवर नहीं होगा। तो बताओ अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? क्योंकि मेरा प्रीमियम रिकवर नहीं होगा, तो जो डे वन अकाउंटिंग पे मैंने फाइनेंशियल असेट बुक किया था, नाउ इट इज नॉट रिकवरेबल, तो इसलिए मैं उसको बोल दूंगा फेयर वैल्यू लॉस। तो एंट्री हो जाएगा फेयर वैल्यू लॉस अकाउंटिंग एंट्री वाले कॉलम में, फेयर वैल्यू लॉस ब्रैकेट में पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट 10,000 रुपए। मैं आपको यहां करके बताता हूं, मैं एंट्री करूंगा फेयर वैल्यू लॉस पी एंड एल टू डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल एसेट 10,000 रुपए अकाउंटिंग एंट्री में, क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज नहीं किया, तो जो मेरा प्रीमियम है वो डूब गया। आगे 8200, बोलो निफ्टी 8200 पे हो, है डिफरेंट केस है, 8100 से 8200 नहीं हुआ। प्राइस था स्टार्टिंग में 8215 और अब निफ्टी एक महीने बाद हो गया 8200। अभी भी नहीं करूंगा, नॉट एक्सरसाइज। एंट्री सेम सेम एंट्री, फेयर वैल्यू लॉस पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट 10,000। थर्ड केस को देखो, थर्ड केस आपको ब्रेक इवन पॉइंट बता रहा है, बीईपी बता रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट। 8215 पे दाव लगाया था, 10 रुपए भरे थे, 8225 प्राइस हो गया, तो आपको कितना रिकवर होगा? 10 रुपए रिकवर होंगे, बट आपको कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। तो 8225 हो गया, तो मैं एक्सरसाइज तो करूंगा भैया। सर क्यों करेंगे, ब्रेक इवन है ना? अरे भाई ब्रेक इवन है, जो 10 रुपए दिए वो रिकवर करने के लिए तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा ना। तो अब यहां पर एंट्री क्या होगी? यहां पर पहली एंट्री होगी बैंक डेबिट 10,000 टू डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट 10,000। मतलब जो आपने फाइनेंशियल असेट क्रिएट किया था वो आपका रिकवर हो गया। मैं एंट्री फिर से कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट 10,000। जो फाइनेंशियल असेट क्रिएट किया था 10,000 से, वही 10,000 मुझे रिकवर हो गया। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो गेन नो लॉस, नो गेन नो पेन। ठीक। फोर्थ 8250। ओहो वाह, 8250, जबकि प्राइस कितना था? 8215। प्राइस 8215 था, जबकि प्राइस हो गया 8250। 35 रुपए का मुझे रिकवरी होगा। कितने का रिकवरी होगा? 35 रुपए का। समझ में आ रहा है कि नहीं? 35 रुपए का रिकवरी होगा। मैंने असेट डे वन अकाउंटिंग पे कितना क्रिएट किया है? डे वन अकाउंटिंग पर मैंने असेट कितना बुक किया है वो सोचो। डे वन अकाउंटिंग पर मैंने एंट्री किया था डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट
डेबिट टू बैंक, ये एंट्री किया था मैंने कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से 10,000। अब सेटलमेंट कर रहा हूं तो 8250 हो गया, लगाया कितने का था दाव, 8215 का, कितने रुपए बढ़ गए, 35 रुपए बढ़ गए, मुझे 35 रुपए मिलेंगे, जिसमें से मैं 10 रुपए का असेट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं, 10 रुपए का ऑलरेडी असेट क्रिएट कर चुका हूं, तो मुझे कितने का और क्रिएट करना पड़ेगा, 25 रुपए का। मैं एंट्री करूंगा डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट डेबिट 25 रुपए, 25 रुपए के हिसाब से 1,000 यूनिट्स टू फेयर वैल्यू गेन पी एंडल, और जब पैसे मिल जाएंगे तो बैंक डेबिट टू डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट 35,000। 35,000 रुपए की रिकवरी हुई, 10,000 रुपए पे किए थे तो 25,000 रुपए का प्रॉफिट। ये आपका है केस 4। सो क्या क्या आएगा कॉलम में, 8250 एक्सरसाइज करेंगे, यस एक्सरसाइज, और एंट्रीज, ये दो एंट्रीज होंगी, इसको आप लिख लीजिएगा। वैसे ही फिफ्थ वाले पॉइंट में यस एक्सरसाइज होगा, अगेन एक्सरसाइज, और कितना फायदा होगा, 8300, 8300 माइनस 8215, तो ये होगा 85। 85 से चीजें बढ़ जाएंगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो बेटा। 85, उसमें से 10 मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो मैं 75 से फेयर वैल्यू गेन बुक करूंगा, एंट्री होगा डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट टू फेयर वैल्यू गेन 75, फिर रिकवरी होगी 85 की। ये है ऑप्शन। मुझे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ऑप्शन अच्छा लगता है, फ्यूचर और फॉरवर्ड तो एक ही होता है लगभग, मुझे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में मुझे ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है। ऑप्शन समझना भी बहुत इंटरेस्टिंग थिंग चीजें हैं और खेलना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन में बस ये तो है कि भाई प्रीमियम देना पड़ता है, एक बार प्रीमियम दे दिया बात खत्म। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा चीज अच्छा लग रहा है। फ्यूचर में आपको पता पड़ गया होगा कि जब हम अनफेवरेबल पोजीशन पे होते हैं तो हमें लॉस भी बुक करना पड़ता है, जबकि यहां पर अगर हम अनफेवरेबल पोजीशन पे हैं तो हमारा जो प्रीमियम असेट बुक किया गया है सिर्फ हम उसी को लॉस में डाल देते हैं और कुछ नहीं। और बेटा जैसी अकाउंटिंग में आपको बायर के केस में करवा रहा हूं ना, होल्डर के केस में जस्ट उल्टा अकाउंटिंग राइटर में होता है। राइटर इनिशियली लाइबिलिटी बुक करेगा और वो चेक करेगा कि अब मेरी फेवरेबल पोजीशन है कि अनफेवरेबल पोजीशन है, अनफेवरेबल पोजीशन है तो लाइबिलिटी और बढ़ा देगा, फेवरेबल पोजीशन है तो फेयर वैल्यू गेन बुक करेगा। आई बात समझ में, चलिए नीचे और चढ़ते हैं, इसको अभी खत्म नहीं हुआ। नाउ सपोज बिफोर द एंड ऑफ 1 मंथ देयर इज अ बैलेंस शीट डेट, निफ्टी ऑन दैट डेट बिकम्स 8229। निफ्टी उस दिन कितना हो गया, 8229 हो गया, निफ्टी हो गया 8229। व्हाट शुड आई डू, बैलेंस शीट डेट पर निफ्टी हो गया 8229, मैंने कितने में खरीदा था, 8215 पे, 8215, 8215 माइनस 8229, ठीक है। एट टू टू नाइन, 8215 कितना, 14 रुपीज का फायदा, पर 10 रुपए ऑलरेडी मेरा फाइनेंशियल असेट दिख रहा है तो मैं 4 रुपए से बढ़ा दूंगा, तो 4 × 1000, 4000 से मेरा फेयर वैल्यू गेन बुक करूंगा बैलेंस शीट डेट पर। सो इसमें लिखा हुआ है आंसर, इंडियस 109 रिक्वायर्स दैट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नीड्स टू बी फेयर वैल्यूड थ्रू पीएनएल, सिंस दिस इज अ कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस इज इंक्रीज देयर इज अ फेवरेबल पोजीशन गेन ऑफ 4000 अकाउंटिंग एट बैलेंस शीट डेट। अकाउंटिंग क्या होगी, अकाउंटिंग होगी डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000। मैं फिर से एंट्री बोल देता हूं, डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट
टू फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फेयर वैल्यू गेन पीएनएल 4000। नीचे लिखा है सपोज ऑन सेटलमेंट डेट निफ्टी बिकम्स 8221। ओहो, अब सेटलमेंट डेट पर यही चीज कंटिन्यूअसली बोला गया है, 8229 से गिर के 8221 हो गया। अरे यार, पहले तो मैंने 14 रुपए से बनाई थी असेट, कैसे? इनिशियली डे वन 10 रुपए की फाइनेंशियल असेट, फिर बैलेंस शीट डेट फाइनेंशियल असेट 4 रुपए से बढ़ाकर 14 हो गई। अब मुझे सिर्फ 8221 के हिसाब से मैं चेक करता हूं कि मुझे कितना रिकवर होगा। क्या मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए? हाँ, करना तो चाहिए, करना तो चाहिए भाई, क्योंकि 8215 से ऊपर चल रहा है। तो मुझे सिर्फ रिकवरी कितने की होगी? रिकवरी 7 रुपए की। तो लॉस कितना हो गया? 14 में से 7 गया, 7 का लॉस हो गया। नहीं सॉरी, 15, 6 की रिकवरी होगी, 6 की रिकवरी होगी और 8 का लॉस हो गया। तो जो मेरी फाइनेंशियल असेट पड़ी हुई है 14 रुपए में, डे वन अकाउंटिंग में 10 और बैलेंस शीट डेट पर 4, तो कुल मिला के 14 की जो असेट पड़ी हुई है उसको मैं बुक करूंगा लॉस में, फेयर वैल्यू लॉस अकाउंट डेबिट 8 रुपए टू डेरिवेटिव ऑप्शन फाइनेंशियल असेट 8 रुपए। अब बताओ 14 रुपए से होकर 8 रुपए चली गई तो अब कितना बचा? 6 रुपए। मुझे 6 रुपए रिकवर हो जाएगा। एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव ऑप्शन फाइनेंशियल असेट 6 रुपए। समझ आया? क्लियर? तो अकाउंटिंग ऑन सेटलमेंट डेट पे क्या करेंगे? फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल डेबिट टू डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट 8000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट 6000। सर इकट्ठी एंट्री कर सकते हैं क्या? दोनों एंट्रीज को मर्ज कर सकते हैं क्या? यस, चाहो तो कर सकते हो। एंट्री हो जाएगा फेयर वैल्यू लॉस अकाउंट डेबिट 8000, बैंक अकाउंट डेबिट 6000, टू डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट 14000। ठीक है गाइस, क्लियर है आपको? चलिए एक बार इस पूरे ऑप्शन के क्वेश्चन को और ऑप्शन हमने जितना पढ़ा है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ तो आपको और क्लैरिटी आएगी। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ तो आपको क्लैरिटी आएगा। एक इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है उसमें तो अपने को इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन करना है तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक बार आप पहले गो थ्रू कर लीजिए।